हेलो बच्चों, कैसे हो सब। टीसीएम टेस्ट सीरीज फॉर जेई 2021 के आज के इस टेस्ट के अंदर फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटन एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म को कवर किया है बेटा। आई होप आपका सबका पेपर अच्छा गया होगा। तो चलिए बेटा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, जिसमें 10 जो है वो सिंगल करेक्ट में है एंड इवन जो 5 हैं वो भी सिंगल करेक्ट में है, लेकिन वो पैराग्राफ के अंदर है। तो चलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल्स आर प्लेस्ड एज शोन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन बिटवीन दीज डायपोल्स विल बी। तो इन डायपोल्स के बीच में जो जो म्यूचुअल जो इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन हो रहा है उसके कारण इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमसे पूछी है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है काफी। तो एक डायपोल जो है वो इस डायरेक्शन में अलाइन है और एक डायपोल जो है वो इस डायरेक्शन में अलाइन है बेटा। तो P2 जो है, P2 जो डायपोल मोमेंट है, इस P2 का अगर मैं इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कंसीडर करूं, कंपोनेंट देखूं, तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो आ जाएगा हमारे पास P2 cos θ। ओके, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा P2 sin θ। ठीक है, तो P2 cos θ और P2 sin θ के कारण r डिस्टेंस पर, मतलब इस पॉइंट पर अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी वो देखते हैं अपन। ठीक है, देखो बेटा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो P2 sin θ के कारण जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, एकदम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और P2 cos θ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E1 लिख दिया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E2 लिख दिया। ठीक है, और जो P1 जो डायपोल है वो इस डायरेक्शन में अलाइंड है, P1 इस तरफ है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई डायपोल एग्जिस्ट कर रहा है, डायपोल प्रेजेंट है, तो उस डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं, U = -P⃗·E⃗, मतलब -PE cos θ। थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E वैक्टर। अच्छा, तो यहां पर दो दो फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, E1 एंड E2। तो E2 और P1 के बीच में एंगल 90 है, तो इसका मतलब E2 के कारण P1 पर जो एनर्जी, ये E2 के कारण जो P जो डायपोल है वो कोई एनर्जी यहां पर नहीं रखेगा। लेकिन E1 की बात करें तो E1 और P1 एक ही डायरेक्शन में, देखो, तो E1 के कारण जो है वो P1 जो डायपोल, फर्स्ट जो डायपोल है उसकी एनर्जी को हम किस वे से लिख सकते हैं, U = -P1 × E1। करेक्ट, एंड एंगल बिटवीन P1 एंड E1 इज 0, सो cos 0 1 हो जाएगा यहां पर। तो U = -P1 एंड E1 जो है वो इस P2 cos θ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि इसकी एक्सिस पे ही है पॉइंट, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2 times of K, एंड जो डायपोल मोमेंट है वो P2 cos θ है, 2 times of K P2 cos θ / R³। राइट, देन वी हैव U = -2 K P1 P2 cos θ / R³। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ चुकी है, लेकिन हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है केवल। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो आप देख सकते हो यहां पर मैग्नीट्यूड जो है वो 2 K P1 P2 cos θ को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, मैग्नीट्यूड जो है वो ये वाला है, तो ये आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर क्यूब एज शोन इन द फिगर विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इन इट्स एंटायर वॉल्यूम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट वन ऑफ इट्स वर्टेक्स पी एंड ई नॉट पी आर ई नॉट एंड वी नॉट रेस्पेक्टिवली, ए पोर्शन ऑफ हाफ द साइज हाफ एज लेंथ ऑफ द ओरिजिनल क्यूब इज कट एंड रिमूव्ड एज शोन द फिगर, फाइंड मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द पॉइंट पी इन द न्यू स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको गिवन है, तो इस पर पूरे पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरे पर, और चार्ज डेंसिटी ऑब्वियसली वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो चार्ज डेंसिटी डेफिनेटली रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो पी पॉइंट है, उस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायमेंशन मान लीजिए ए है, लेंथ सपोज इसकी ए कंसीडर कर लेता हूं मैं, है ना, तो डायमेंशन ए और रो डेंसिटी, जो चार्ज डेंसिटी रो पर किस वे से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो बेटा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डेंसिटी रो, डायमेंशन लेंथ ए एंड परमिटिविटी
परमिटिविटी जो होती है वैक्यूम की एप्सिलॉन नॉट, इन तीनों के साथ अगर आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला तो हम ई को बेटा कुछ इस वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई प्रोपोर्शनल टू रो ए बाय एप्सिलॉन नॉट, प्रोपोर्शनल, ठीक है, बड़ा इजी है। रो चार्ज डेंसिटी बेटा क्यू बाय वी है और ए जो है वो डायमेंशनल लेंथ है, राइट, ठीक है। तो जैसे स्फीयर होता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, अगर आपने पढ़ा है तो, राइट। तो रो चार्ज डेंसिटी है और आर उसकी डिस्टेंस है सेंटर से, तो ऑब्वियसली इस क्यूब के लिए भी बात करें बेटा तो कहीं ना कहीं चार्ज डेंसिटी रो और इसकी जो डायमेंशन है क्योंकि लेंथ जो है वो ए है, तो रो ए और एप्सिलॉन नॉट के साथ ई जो है वो इस रिलेशन से आप इसको जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन है यहां पर, ठीक है, तो इसमें वैसे हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि ये प्रोपोर्शनल है तो कोई भी कोफिशिएंट आप यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई कोफिशिएंट मान लीजिए मैंने ए यूज कर लिया, कैपिटल ए, सो ई इक्वल्स टू ए रो ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और पोटेंशियल के लिए अगर आप रिप्रेजेंट करो बेटा तो पोटेंशियल में केवल डिस्टेंस का इफेक्ट पड़ता है, डिस्टेंस का ही फर्क पड़ता है, तो कोई अदर कोफिशिएंट बी यूज कर लीजिए आप, रो ए स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आता है, ठीक है, तो डायमेंशनल से मैच कर लो, ई इज प्रोपोर्शनल टू रो टू द पावर x लिख दो, a टू द पावर y लिख दो, एप्सिलॉन नॉट की पावर z लिख दो, फिर दोनों को कंपेयर कर लो और आपके पास कुछ इस तरीके से रिलेशन आ जाएगा, सिमिलर वे से पोटेंशियल के लिए भी रिलेशन आ जाएगा बेटा। तो e और v का जो है वो a के साथ रिलेशन कुछ इस टाइप से, ठीक है, तो ये रिलेशन हमने लिख दिया। अब इसमें से क्या किया है, इसमें से भी हाफ जो लेंथ का जो क्यूब है ना, ये लेंथ बेटा जस्ट इसका आधा है, a by 2 है, उस लेंथ का जो क्यूब है वो क्यूब इसमें से रिमूव कर दिया, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की अगर हेल्प से इसको डील करें तो बड़ा आसान हो जाएगा। क्यों, टोटल कंप्लीट क्यूब के कारण पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो है वो कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन ये जो क्यूब है a by 2 साइज का, इसके कारण भी इसी वे से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और पोटेंशियल को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट पेज पे अपन देखो करते हैं इसको, देखो ओके, तो साइज जो था, जो लेंथ जो थी इसकी, a by 2 के इक्वल थी बेटा। अब देखिए तो a by 2 अगर है तो जो क्यूब आपने सेपरेट किया ना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश अगर मैं अज्यूम कर लूं तो ई डैश इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट a by 2 एप्सिलॉन नॉट ना सॉरी रो 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 सो a रो रो डेंसिटी सेम रहेगी a by 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वो छोटे वाला जो क्यूब आपने रिमूव किया ना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो रिमेनिंग पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं e डबल डैश लिख देता हूं, e डबल डैश इक्वल टू e माइनस e डैश, राइट, e डैश e इक्वल टू a रो a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला e डैश की वैल्यू है तो इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो क्लियरली नजर आ रही वैल्यू आएगी a रो a by 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये जो e के बराबर था ये, है ना, या e नोट के बराबर था, आई थिंक e नोट है शायद, ये e नोट है, ये v नोट था, तो ये आ जाएगा हमारे पास e नोट बाई 2, तो रिमेनिंग पार्ट के कारण p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड e नोट बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। अब पोटेंशियल की बात कर ले, तो पोटेंशियल जो है जो आपने पार्ट कट किया उसका जो पोटेंशियल होगा वो डेफिनेटली b रो a बाई 2 हो जाएगी डायमेंशन उसकी, तो a स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट के कारण जो जो पोटेंशियल आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v डबल डैश इक्वल टू v माइनस v डैश, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बाय 4 है वो 1 है तो 3 बाय 4 आ जाएगा, 3 बाय 4 b रो a स्क्वायर बाय एप्सिलॉन, राइट। तो ये जो वैल्यू ये एग्जैक्टली v नॉट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो v नॉट यहां पे रख देंगे अपन, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 v नॉट बाय 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा e नॉट बाय 2 और पोटेंशियल आ जाएगा 3 v नॉट बाय 4, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं अपन, तो आंसर कौन सा इसमें कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, ठीक है ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें मैच कर जाएगा बेटा। चलिए आगे बढ़े अपन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द शोन सर्किट इफ द चार्ज ऑन 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज 10 माइक्रोकुलम,
देन द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर विल बी, ठीक है, तो आपसे ये पूछा है 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर जो है उस पे चार्ज कितना है, 10 माइक्रोकुलम है, तो 4 माइक्रोफेरेड पे पूछा है। तो एक चीज देखो, 6 एंड 3 जो है वो दोनों सीरीज में है, तो दोनों पे चार्ज भी सेम होगा, तो 6 और 3 सीरीज में बेटा, तो इसका मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा 6 एंड 3 का 2 माइक्रोफेरेड आएगा, तो इस पे भी डेफिनेटली चार्ज 10 माइक्रोकुलम होगा, 10 माइक्रोकुलम चार्ज है बेटा इस पर, ठीक है, क्यू 10 माइक्रोकुलम, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आएगा, v कितना आएगा, v इक्वल्स टू q बाय c, q बाय c अगर आप करो तो 10 बाय 2 यहां से कितना आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू 10 है ना, तो 10 बाय 2 तो हमारे पास q बाय c करने पर कितना आया, 5 वोल्ट आ गया। तो ये 5 वोल्ट एग्जैक्टली, सॉरी यहां पर हमने इस 2 को इंक्लूड नहीं किया बेटा, देखो 6 एंड 3 एंड 2 भी है इवन, तीनों सीरीज में है, तो 6 एंड 3 का 2, 2 एंड 2 का 1, तो ये 1 हो जाएगा बेटा कंप्लीटली, है ना, इस नोड और इस नोड के बीच में देखा जाए तो 1 माइक्रोफेरेड इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा, और 1 माइक्रोफेरेड पे भी चार्ज कितना आएगा, 10 माइक्रोकुलम आएगा, तो 1 माइक्रोफेरेड है बेटा ये, 10 माइक्रोकुलम, तो पोटेंशियल कितना आएगा इन दोनों के बीच में, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल v इक्वल्स टू q बाय c, q कितना है 10 और ये 1 माइक्रो माइक्रो, तो माइक्रो कट जाएगा, तो 10 वोल्ट आ गया। तो जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो 10 वोल्ट आ गया। तो जो 4 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर 10 वोल्ट है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, q इक्वल्स टू cv ना, एंड c इक्वल्स टू 4, v इक्वल्स टू 10, देन वैल्यू इज 40 माइक्रोकुलम, तो आंसर 40 माइक्रोकुलम आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इन द फिगर इज शोन ए पार्ट ऑफ लार्ज नेटवर्क, इफ रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट इज इंक्रीज्ड, हाउ विल द रीडिंग्स I1 एंड I2 ऑफ द अमीटर्स A1 एंड A2 रेस्पेक्टिवली एंड द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V चेंज। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि किसकी रीडिंग किस तरीके किस वे से चेंज होगी। तो ये लार्ज सर्किट का कुछ पार्ट है, तो सपोज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सपोज बेटा V नॉट है, करेक्ट। अब ये रियोस्टेट है, ये अमीटर A1 लगा हुआ है यहाँ पे, और अमीटर A1 जो है वो इसमें जो करंट फ्लो होगी I1 उसको मेजर करेगा, ठीक है। ये रियोस्टेट है, इसका रेजिस्टेंस RH है, और ये जो रेजिस्टेंस है सपोज ये R1 है, राइट, और ये वाला रेजिस्टेंस सपोज R2, और इसमें जो करंट फ्लो होगी दैट इज I2, ठीक है। तो अगर आप RH को इंक्रीज करते हो, अगर आप RH को इंक्रीज करते हो बेटा, ये दोनों पैरेलल में है ना, ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, RH अपॉन में R1 प्लस RH, ठीक है, ये RH, ओके। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का आ गया, और ये वोल्ट मीटर है तो ऑब्वियसली हम आइडियली कंसीडर करेंगे, तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, फिर ये साथ में ही R2 भी है, करेक्ट। तो अगर आप RH को इंक्रीज करोगे तो दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V0, ठीक है, वो तो फिक्स है, लेकिन जो करंट है मेन ब्रांच वाले जो करंट है I2, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा यहां पर, ये R2 इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा, तो जो वोल्टेज तो फिक्स है, लेकिन अगर आपने रियोस्टेट RH की वैल्यू को इंक्रीज किया तो उस केस में ये वाली वैल्यू जो है मेरा वो राइज होगी, वो इंक्रीज होगी। कैसे कैसे सोचें, वैसे ही लॉजिकली सोच सकते हो, सपोज RH 0 है, RH अगर 0 होगा तो इस पूरे का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा ना, और अगर RH इन्फिनिटी होगा तो इसका पूरे का रेजिस्टेंस R1 आएगा। तो सीधी सी बात है, इतना तो क्लियर है कि RH को इंक्रीज करने पर ये वाली वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का राइज होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का राइज होगा, तो दैट मींस रेजिस्टेंस राइज हो रहा है, वोल्टेज V नॉट है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस राइज होगा, तो ऑब्वियसली करंट जो है मेन ब्रांच वाली ये करंट क्या है, डिक्रीज होगी, तो I2 डेफिनेटली डिक्रीज होगी, तो I2 विल डिक्रीज, ये कंफर्म है, तो I2 डिक्रीज यहां पे आ रहा है, ठीक है, तो ये नहीं आ रहा, ये इनकरेक्ट हो गया, I2 यहां पे डिक्रीज हो रहा है, ये पता लग रहा है अपन को। अब आगे देखते हैं कि I1 और V पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप लॉजिकली सोचना कि अगर आप RH को इंक्रीज करो, राइट, RH को अगर अपन इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो I2 डिक्रीज होगा, और इसके क्रॉस अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, इस टर्मिनल्स के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं अगर मैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए। आप लॉजिकली सोच सकते हो, सपोज RH जो है वो 0 था, सपोज सबसे पहले अगर RH 0 होगा, अगर RH 0 होगा तो ये रेजिस्टेंस ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं आ गया, और अगर RH को इंक्रीज करोगे, RH अगर इनफाइनाइट हो जाएगा सपोज, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा I1 R1, राइट। तो ये तो क्लियरली पता लग रहा है अपन को कि जो V है, अगर RH इंक्रीज होगा तो V भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा यहां पर, और V इंक्रीज होगा बेटा तो V इक्वल्स टू I1 R1, देन I1 इक्वल्स टू V बाय R1, तो I1 भी इंक्रीज होगा, तो I2 डिक्रीज होगा, और I1 एंड V जो है ना बेटा वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो थर्ड ऑप्शन इसमें
करेक्ट हो जाएगा। बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़े अपन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, फोर वायर्स कैरी करंट आई नॉट व्हाइल ईच व्हाइल द फिफ्थ वायर कैरीज करंट थ्री आई नॉट इज शोन, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ इज। अपन से सेंटर ओ पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछिए बेटा। थोड़ा सा लॉजिकली देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये आई नॉट है, ये वाला आई नॉट है, और ये वाला आई नॉट है, और ये वाला भी आई नॉट है। अगर यहाँ पर आई नॉट होता केवल, तो डेफिनेटली सिमेट्रिकली अगर अपन देखें तो इस पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाता, कन्फर्म है। जैसे क्यू 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 होता है, वैसे सेम पैटर्न से करंट अगर सेम है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो आता। तो यहाँ पर थ्री आई नॉट है, इसका मतलब आई नॉट को छोड़ दें, केवल टू आई नॉट को कंसिडर करें यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर केवल टू आई नॉट के कारण ही होगा। क्योंकि अगर आई नॉट का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें, इन पांचों आई नॉट का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें, तो वो टोटल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर। तो केवल टू आई नॉट का इंपैक्ट पड़ेगा ओ पॉइंट पर, और टू आई नॉट एक स्ट्रेट वायर है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो स्ट्रेट वायर के कारण ए डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय टू पाई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी इस वायर से, क्योंकि ये वायर बाहर की तरफ है, राइट, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है बेटा ये वाली, राइट, तो टू पाई ए। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए। तो इलेक्ट्रिक करंट आई नॉट नहीं है, कितनी है, टू आई नॉट है। तो यहां पर आई की जगह क्या रखना है, टू आई नॉट रखना है, टू से टू कैंसिल आउट हो गया बेटा, म्यू नॉट आई नॉट बाय पाई ए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, ए थिन कंडक्टिंग रिंग इज रप्चर्ड व्हेन इट इज गिवन ए चार्ज क्यू। ओके, कंसीडर अनदर थिन कंडक्टिंग रिंग रेडियस ऑफ विच इज एन टाइम्स एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इज के टाइम्स ऑफ द फॉर्मर रिंग। How much maximum charge can this second ring be given without rupturing? तो पहली जो रिंग है थिन रिंग है, ठीक है, और उस पर चार्ज क्यू दे रखा है आपने, है ना, चार्ज क्यू दिया हुआ, तो वो टूट जाती है चार्ज क्यू देने पर। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो रिंग मर जो रिंग में जो टेंशन फोर्स लग रहा है ना, जैसे ये रिंग है, ठीक है, इस रिंग पे बेटा आपने सपोज प्लस चार्ज दिया, इतना तो पक्का पता है हमें कि प्लस प्लस में रिपल्शन होगा। तो जो रिंग है ना, उस रिंग में डेफिनेटली टेंशन तो होगा, खींचेगी वो, तो उस टेंशन फोर्स की एक लिमिट से ज्यादा अगर टेंशन जनरेट हो जाए तो वो टूट जाएगा। स्ट्रेस की बात हो, क्योंकि यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखी है अपन को, राइट, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का यूज करेंगे, स्ट्रेस वाला फॉर्मूला जो है उसको भी इंक्लूड करेंगे अपन। लेकिन ये जो टेंशन फोर्स है यहाँ पर, वो टेंशन फोर्स जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चार्ज पे डिपेंड करेगा, ये कन्फर्म है। रेडियस जो है इस रिंग की आर पे भी डिपेंड करेगा, ये भी कन्फर्म है, ठीक है। आर कम ज्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली ये फोर्स वेरी करेगा, और एप्साइलन नॉट या जो कांस्टेंट है फोर्स कांस्टेंट के जो है उस पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड होना चाहिए, ठीक है। तो जो टेंशन फोर्स है टी, डेफिनेटली बेटा चार्ज पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा, और जो कॉन्स्टेंट है फोर्स कॉन्स्टेंट जो हम के यूज करते हैं, के पर भी इसकी वैल्यू डेफिनेटली डिपेंड करनी चाहिए। तो ये टी टेंशन फोर्स है, अब इसको हमें सेटल डाउन करना है। अब ये इस Q की पावर क्या आनी चाहिए, सपोज X मान लिया, इसके Y मान लिया, इसका Z मान लिया पावर, तो इनकी पावर्स नहीं पता है, उनको पावर्स को अपन डील करेंगे यहाँ पे, कंसीडर करेंगे, उसके बाद में देखते हैं बेटा इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें देखो टेंशन फोर्स है, ओके, तो टी जो है फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हो, एम वन एल वन टी माइनस टू होता है, ठीक है, डायमेंशनली अपने इसको चेक करते हैं। और चार्ज जो है वो करंट एम्पीयर इनटू टाइम होता है, तो ए टू दी पावर या ए इंटू टी कर लेते हैं पहले, पावर ये एक्स है, आर रेडियस है बेटा, तो रेडियस मतलब एल, एल की पावर वाई आ गया, ठीक है, और के जो है, के फोर्स कांस्टेंट है, के का फॉर्मूला आप जानते हो, एफ इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर या क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर होता है, राइट। एफ का हम जानते हैं, एफ का कितना होता है, एम वन एल वन टी माइनस टू, और R L square होगा तो L square साइड में चला जाएगा बेटा, ठीक है, और डिवाइड में Q square आएगा, तो Q square जो है वो आ जाएगा A into T, मतलब A square T square, ये पावर इसका कितना आ जाएगा, Z आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से अपन इसको थोड़ा कंपेयर कर लेंगे, देखो M1 L1 T minus 2 is equal to, तो इसको थोड़ा सेटल डाउन करें। चलिए देखिए, यहां पर मास केवल यही आ रहा है, तो M की पावर Z हो गया यहां पर, राइट,
m की पावर z, है ना, m की पावर z आ गया ये। उसके अलावा लेंथ को देखते हैं अपन उसके बाद में, तो l, ये देखो l की पावर y आ गया यहाँ पर, y रख देते हैं अपन। यहां पर देखो l की पावर 2 एंड 1 है और नहीं है, l की पावर 3 हो गया, तो 3z हो जाएगा, राइट। तो पावर यहाँ पे प्लस में 3z आ गया, तो l यहां से हट चुका है। और नेक्स्ट अपन बात करें तो अपन लिख सकते हैं टी स्क्वायर को, राइट, टाइम को देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे टी आ रहा है, टी की पावर एक्स, यहां देखिए टी की पावर माइनस 4 आ जाएगा, तो माइनस का 4z आ गया, ठीक है। टी की पावर ये 2 है, ये भी 2 है, तो माइनस का 4z आ गया। नेक्स्ट ए बचा, तो ए की पावर यहां पे x आ गया, यहां ए स्क्वायर को आप ऊपर लेके जाओगे तो ए की पावर माइनस 2z, राइट, ए की पावर माइनस 2z। तो अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो, यहां a तो है ही नहीं, तो इसका मतलब a की पावर 0 है, तो यहां पर x माइनस 2z इक्वल्स टू 0, राइट। उसके अलावा देखो z, देखो z बराबर 1 आ रहा है, यहां से कंपेयर करोगे तो z इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट a की पावर x माइनस 2z है, तो x माइनस 2z बराबर 0 होना चाहिए, तो x बराबर 2z, 2z z की वैल्यू 1 है, तो x बराबर 2 आ गया। देखो तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है, राइट, z की वैल्यू 1 आ चुकी है, ठीक है। हमें y से मतलब है, क्योंकि रेडियस जो है इसने कम ज्यादा की है, तो y से मतलब है। तो नेक्स्ट जो पार्ट दिख रहा है y प्लस 3z, तो y प्लस 3z इक्वल्स टू 1, तो इसको लिख देते हैं y प्लस 3z इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 1 है बेटा, यहां पर 1 रख देंगे अपन, तो 3 इक्वल्स टू 1, देन y इक्वल्स टू माइनस का 2 आ गया। तो y बराबर माइनस 2 आ गया, x बराबर जो है वो 2 आ चुका है, और z इक्वल्स टू 1 आ चुका है। तो हमारे पास जो अल्टीमेटली जो रिलेशन है, मैं यहां रख देता हूं, तो जो टेंशन है वो प्रोपोर्शनल टू q की पावर, ये x की वैल्यू 2 है, ठीक है, r की पावर y है, y की वैल्यू माइनस 2 है, ठीक है, तो मतलब r की पावर माइनस 2, राइट, एंड k की पावर 1 आ गया। k तो कांस्टेंट है, सिंपल, वो तो मतलब फिक्स रहेगा दोनों के लिए, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने रख दी है यहां पर, अब इसको रब कर दें एक बार, तो हम आगे चलें नेक्स्ट पेज पे बेटा। चलिए देखो, तो फर्स्ट केस में ये अपन को दे रखा है यहां पर, राइट, ऐसा कुछ दे रखा है, तो ये कंडीशन आ चुकी है टेंशन की। दूसरे केस में क्या लिखा गया है कि जो रेडियस है वो n टाइम्स हो गई, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी k टाइम्स है, ठीक है, k टाइम्स है। तो जो रिंग आपने ली r रेडियस की, उस रिंग में टेंशन फोर्स इतना है, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है रिंग का, जैसे ये रिंग है आपके पास, ठीक है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा, वो मैं स्मॉल a कंसीडर कर लेता हूं, चलो। तो दोनों रिंग के लिए मैं सेम कंसीडर करूंगा, थिन रिंग है, दूसरी भी थिन रिंग है, तो टेंशन अपॉन में a कर दें बेटा अपन, t बाय a, राइट। तो ये स्ट्रेस आ गया, आया कि नहीं आया, ये स्ट्रेस आ चुका अपने पास, तो ये स्ट्रेस जो है उसका k टाइम्स है, सीधी सी बात है। तो सिग्मा वन, पहली रिंग के लिए सिग्मा वन कंसिडर कर लिया, ठीक है, या सिग्मा कंसिडर कर सकते हो आप, चलो सिग्मा वन लिख लो, क्यू स्क्वायर आर की पावर माइनस 2 के की पावर 1। दूसरे वाले केस में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो k टाइम्स हो गया, तो ये सिग्मा 1 इनटू में k हो गया, राइट। नेक्स्ट वाली रिंग पे जो चार्ज दिया, वो सपोज कैपिटल q दिया, तो कैपिटल q स्क्वायर, रेडियस उसकी n टाइम्स है, तो n की पावर माइनस 2, r की पावर माइनस 2 और ये k की पावर 1। तो बेटा यहां से देखो, ये r स्क्वायर ये वाला पार्ट कट जाएगा हमारे पास, और ये q स्क्वायर इधर ले आइए, सिग्मा 1 से सिग्मा 1 कट गया, q स्क्वायर इधर जाएगा, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया हमारे पास स्मॉल q स्क्वायर n स्क्वायर n k। So, q is equal to small q n root k. तो मतलब इतना चार्ज अगर रहेगा तो रिंग जो है वो रप्चर हो जाएगी, इसका मतलब चार्ज इससे कम रहना चाहिए ताकि रिंग क्या रहे, सेफ रहे बेटा। चलिए आंसर देखते हैं इसका हम, यस, तो आंसर इसका क्या है बेटा, आंसर आ जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो q n root k से चार्ज की वैल्यू कम होनी चाहिए बेटा, ओके okay? चलिए तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके okay, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे, ओके okay. तो हमसे पूछा है द रेजिस्टेंस इन विच मैक्सिमम हीट विल प्रोड्यूस्ड इज, कौन से रेजिस्टेंस में मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होगी। सीधी सी बात है, मैक्सिमम हीट किसमें प्रोड्यूस होगी, जिसमें पावर सबसे ज्यादा कंज्यूम होगी बेटा। तो पावर को आपको फाइंड आउट करना है यहां पर, तो ये 6 एंड 3 का 2 आ गया यहां पर, राइट,
ठीक है, और ये 2 है, देन ये 5 ओम आ गया इस तरफ, ये भी 4 ओम, ये 5, 4, ये 2 हो चुका है, ये 2 हो चुका है, यहाँ ये बैटरी हमने अटैच कर दी, ठीक है, तो करंट यहाँ से जाएगी, वी वोल्ट की बैटरी, सीधी सी बात है, करंट को आपको चेक करना है, करंट किस में ज़्यादा है, तो अगर आप ये देखोगे तो 2 एंड 2 इनमें करंट जो है वो हाफ ऑफ जाएगी, जैसे सपोज यहाँ से करंट अगर आई जा रही है तो इसमें आई बाई 2 जाएगी, इसमें आई बाई 2 जाएगी, राइट। और यहाँ पर अगर आप देखो तो करंट जो है वो सपोज आई जा रही है तो 5 एंड 4 है तो ऑब्वियसली इसमें करंट ज़्यादा जाएगी, 5 के कंपेरेटिवली ज़्यादा जाएगी, इसमें करंट कितनी जाएगी, 5i/9, ठीक है, करंट डिवाइडर रूल से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, i इंटू में 5 अपॉन में 5+4, तो 5i/9 और इसमें कितना जाएगा, 4i/9, तो करंट ऑब्वियसली ये वाली जो है ये i बाई 2 से भी ग्रेटर है, तो i बाई 2 से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली इसमें पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना i स्क्वायर करके, तो इसमें पावर ज्यादा आएगी इसकी कंपेरेटिवली बेटा, इनमें तो ऑब्वियसली इससे तो कम ही आएगी ना, क्योंकि इसमें तो i बाई 2 एक्जैक्टली इसमें i बाई 2 से भी ज्यादा है, तो पावर होती है i स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हो आप, तो इस वाले में पावर सबसे ज्यादा कंज्यूम होगी, तो बेटा 4th ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। तो क्वेश्चन पढ़िए, कंसीडर टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m हेल्ड एट सेपरेशन r नॉट इन फ्री स्पेस, वन ऑफ देम इज गिवन अ वेलोसिटी v नॉट परपेंडिकुलर टू r नॉट एंड द अदर वन इज साइमल्टेनियसली रिलीज्ड, for what range of velocity v naught will the masses be bound in orbital motion under their mutual gravitational force, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व नेक्स्ट पेज पे, ओके बेटा देखो हमको कुछ पिक्चर ऐसे दे रखी है, ये m मास का ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा m मास का ऑब्जेक्ट है, आपने इसको वेलोसिटी v दे दी, राइट, और ये डिस्टेंस आपके पास r नॉट या जो भी है r है ना, तो इसको तो रिलीज कर दिया और इसको स्पीड v आपने अप्लाई कर दी इसको या प्रोजेक्ट कर दिया v स्पीड से आपने, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में म्यूचुअली ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही, है ना, इस वाले पर इस तरफ लगेगा, इस वाले पे इस तरफ लगेगा, और इतना भी कंफर्म है कि दोनों पे फोर्स की वैल्यू सेम होगी, एक्शन रिएक्शन लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो, ठीक है, तो एक्स तो फोर्स अगर सेम है तो इसका मतलब किसी ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में या किसी फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में बात करें तो अगर इसका एक्सेलरेशन ए होगा तो उस टाइम पर इसका एक्सेलरेशन भी ए होगा, ऑब्वियसली डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है, तो अगर मैं इस पार्टिकल बी के रेस्पेक्ट में पार्टिकल ए की मोशन को अगर ऑब्जर्व करूं तो मोशन कैसे नजर आएगी, मैं रिलेटिव मोशन से डील कर रहा हूं, ध्यान से देखना, तो बी के रेस्पेक्ट में अगर ए की बात करें बेटा तो ए जो है वो यहां पर है और ए के पास जो वेलोसिटी है वो वी दी आपने ऊपर की तरफ, करेक्ट, ठीक है, इनिशियली अगर हम बात करें तो ये जो सेपरेशन था इनिशियली आर नॉट था, और रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो इन दोनों का एक्सेलरेशन अपोजिट तो रिलेटिव डेफिनेटली एड हो जाएगा तो वो 2a आ जाएगा, और 2a किस तरफ आएगा, लाइन ज्वाइनिंग अलोंग आएगा बेटा, तो लाइन ज्वाइनिंग अलोंग मतलब कुछ इस डायरेक्शन में 2a आ जाएगा, ठीक है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 2a है, कलर चेंज कर दें, ओके, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन बेटा 2a है जो कि इस तरफ है, इसको a डैश लिख दीजिए आप, तो ये फिक्स हो गया एक तरीके से, ये फिक्स हो चुका है, इसके रेस्पेक्ट में अपन स्टडी कर रहे हैं, तो इस मास को आपने v वेलोसिटी दी है, ठीक है, r नो डिस्टेंस पर है ये, अगर इस मास के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, क्योंकि रिलेटिव इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी भी v है ना, रिलेटिव वेलोसिटी क्योंकि इसकी जीरो थी तो इसकी v होगी, तो अगर इस मास के रेस्पेक्ट में अगर ये वाला पार्टिकल इसके वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस मास के रेस्पेक्ट में तो ये कंफर्म है इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, ये पाथ कुछ ऐसा होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा इस पर, यू मूव करेगा इसके रेस्पेक्ट में, इसका पाथ कुछ ऐसा होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी जो डायरेक्शन वो चेंज होगी तो ये इनफिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऑर्बिटल में बाउंड रहे, अच्छा इसके वेलोसिटी से अगर इसकी वैल्यू कम है तो ये इसके अराउंड ये इलिप्टिकल पाथ में घूमने लग जाएगा, तो हमको तो क्रिटिकल केस लेना है कि जब वो इनफिनिटी पे चला जाए, जस्ट वो वाला केस है, तो उस केस में ये पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा बेटा, राइट, तो इन्फिनिटी पर अगर मैं बात करूं तो पार्टिकल बेटा ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगेगा, ठीक है, मान लीजिए पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये इन्फिनिटी वाला केस है, ठीक है, और पार्टिकल की वेलोसिटी जो है इन्फिनिटी पर सपोज मैंने कंसीडर कर ली वी डैश, ठीक है, तो इन्फिनिटी वेलोसिटी वी डैश है वो बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो यहां से पैराबोलिक पाथ पे चलेगा और इन्फिनिटी पर वेलोसिटी वी डैश है, ठीक है, लेकिन अगर ये जस्ट इसके वेलोसिटी से अगर मूव किया इसने
तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे हम वेलोसिटी को कितना कंसीडर कर लेंगे, जीरो, ठीक है। तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में ध्यान रखना, बी के रेस्पेक्ट में। बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो होने का मतलब, बी के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में या फिक्स्ड पॉइंट या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। बात समझ गए आप? तो ये पिक्चर है यहां पर, है ना। अब एक काम करते हैं, इंडिविजुअली वैसे डील करते हैं, मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में डील करते हैं। इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। अब मैं इसको फिक्स पॉइंट या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में सोल्व करना चाहता हूं। तो इनिशियल मोमेंटम की बात करें बेटा, तो इसके पास मोमेंटम कितना है, एम वी, इसके पास जीरो है, राइट, मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। और इन्फिनिटी पर देखा जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी दोनों की। ये तो हमने सीख लिया रिलेटिव वेलोसिटी, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए इन्फिनिटी पे, ये कंफर्म है। तो मान लीजिए अगर मैं इसकी वेलोसिटी वी डैश अज्यूम करूं तो इसकी वेलोसिटी भी वी डैश होनी चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी, और ऑब्वियसली इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसका मतलब एम इंटू वी डैश प्लस एम इंटू वी डैश, ठीक है, वी डैश जो भी है वहां पर वो इसके रेस्पेक्ट में था, उसको वी डबल डैश कर दो, वो जीरो हो जाएगा। v डबल डैश मतलब रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में जो कि जीरो है। सो एम वी प्लस जीरो इक्वल्स टू एम वी डैश प्लस एम वी डैश, राइट। तो हमारे पास यहां पर v डैश की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, v डैश आ गया v बाई टू, ये वेलोसिटी आ चुकी है इन्फिनिटी पर, मतलब जब ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे, वो वाला केस है। ये कंडीशन आ गई हमारे पास। उसके अलावा अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई करूं तो ध्यान से देखना, यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन को लगाएं बेटा, तो इनिशियल अगर मैकेनिकल एनर्जी देखी जाए उस पार्टिकल की, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस जी एम इंटू एम, एम स्क्वायर बाय आर नॉट इज इक्वल टू। जब इन्फिनिटी पे हो जाएगा मतलब दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो उस केस में दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है, स्पीड दोनों की है हमारे पास वी बाई टू, वी बाई टू, दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, तो हाफ एम वी बाई टू का स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर बाय फोर, और इसका भी सेम आएगा दूसरे पार्टिकल का, तो टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू से टू कैंसिल आउट हो गया बेटा, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि सेपरेशन लार्ज हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, सेपरेशन इनफाइनाइट दिख ही रहा है अपन को, तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। तो यहां से बेटा एम, ये एक एम, ये एक एम, ये यहां से कैंसिल आउट हो गया, और देखो यहां से वी स्क्वायर बाय फोर है, तो वी स्क्वायर बाय टू में से वी स्क्वायर बाय फोर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वी स्क्वायर बाय फोर ही आएगा ना, तो वी स्क्वायर बाय फोर, और ये वाला पार्ट इधर ले जाइए, जी एम बाय आर नॉट, राइट। तो वी आ गया हमारे पास फोर जी एम बाय आर नॉट का अंडर रूट, मतलब टू जी एम बाय आर नॉट का अंडर रूट। तो इतनी वेलोसिटी अगर है इसके पास तो जस्ट ये एस्केप कर जाएगा, लेकिन अगर इस वेलोसिटी से कम है तो बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिवली ये जो इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्टिकल पाथ के अंदर रिवॉल्व करेगा एक प्लेनेट के रेस्पेक्ट में, ठीक है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। चलिए जी अब इसका आंसर देख लेते हैं अपन, आंसर क्या है, तो आंसर है इसका लेस देन होना चाहिए, ठीक है, पहले इसको रब करें, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, इस वेलोसिटी से इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए तब जाके ये जो है वो ऑप्टिकल इलिप्टिकल पाथ के अंदर रिवॉल्व करेगा बेटा। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन को देखिए, ए हॉरिजॉन्टल रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हिंज्ड एट o, o पॉइंट पर एक रॉड जो है वो हिंज्ड है, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम में है अभी। यहां पर बेटा एक चार्ज दे रखा आपको, क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, और यहां पर कोई ग्रेविटी नहीं है, अदरवाइज ये रॉड कुछ ना कुछ इस एंगल पर इंक्लाइन रहती, तो ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं अपन यहां पर, या एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे इस सिस्टम को असेंबली को रखा हुआ बेटा, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑब्वियसली। तो इस रॉड को अगर मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज कर दूं तो क्या ये रॉड ऑसिलेट होगी, अगर ऑसिलेट होगी तो उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना है बेटा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इस रॉड को हल्का सा अपन इस पोजिशन से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करके छोड़ते हैं बेटा, तो यहां पर ये चार्ज है, करेक्ट, इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कुछ इस डायरेक्शन लगेगा, एंड फोर्स इज इक्वल टू क्यू इन टू ई, दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ओके। तो ओ पॉइंट के अबाउट इस रॉड पर जो टॉर्क लगेगा दैट इज क्यू ई फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली होगी ना, ये लेंथ एल है तो ये आ जाएगा एल साइन थीटा, एंड इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन एल साइन थीटा आप लिख सकते हो सिंपली एल थीटा, और टॉर्क बेटा आई इंटू एल्फा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू में एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, ओके अबाउट, ओके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रोड का कितना होगा, इस रोड का, अच्छा इस पार्टिकल का मास है क्या
मास के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है दे रखा। देखो हाँ, द्रव्यमान हीन है, मासलेस बोल है, इसका मतलब इसका मास यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो मासलेस है, केवल मास जो रोड का हमें कंसीडर करना है, तो इसका मतलब रोड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा, ml²/3 इनटू में अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा। यहां से आप एल से एल इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ गई 3qe/ml और इनटू में थीटा इज इक्वल टू अल्फा, है ना। तो अल्फा जो है वो ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा के इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो, मॉडुलस की बात करूं तो, इसका मतलब ये ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर हो रहा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता लग जाए तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू कितना होता है, टी इक्वल टू 2π/ω। तो टी की वैल्यू अगर आपको यहां से कैलकुलेट करनी है, दैट इज 2π/ω, ओमेगा मतलब इसका रेसिप्रोकल, और अंडरूट भी कर दीजिए, तो अंडरूट करोगे तो अंडरूट में ml/3qe, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, वेट ऑफ ए बॉडी एट द इक्वेटर ऑफ ए प्लेनेट इज हाफ ऑफ दैट एट द पोल्स, इफ द पेरिफेरियल वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ दिस प्लेनेट इज वी नॉट, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द पोलर पार्टिकल, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कोई प्लेनेट है ना, ये इक्वेटर है बेटा, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिवॉल्व कर रहा है, और पेरिफेरियल जो वेलोसिटी है, टेंजेंशियल जो वेलोसिटी एट इक्वेटर इज वी नॉट। तो अगर वी नॉट है तो ऑब्वियसली यहां पर जो इफेक्टिव जो ग्रेविटी होगी जी ड्यू टू रोटेशन है ना इज इक्वल टू जी, जी कहाँ है, पोल पे है ना, जी पोल पे, उसका इफेक्ट नहीं होता है तो पोल पे जो ग्रेविटी है वो जी है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर या v²/r, और v कितना दे रखा आपको, v0 square by r, r इज द रेडियस ऑफ दिस प्लेनेट, ठीक है। ये कंडीशन आपको दे रखी है, और हमको ये दे रखा है कि जो वेट है वो हाफ हो जाता है, तो वेट जैसे पोल पे जो वेट है वो mg होगा और इक्वेटर पे जो वेट है वो mg/2 है, दैट मींस g जो है वो g/2 के इक्वल हो गया, जी आर जो है वो g/2 के इक्वल, तो ये जो वैल्यू है g/2 के इक्वल है, इसका मतलब g में से g/2 सबट्रैक्ट करोगे तो v0 square by r जो उसकी वैल्यू एग्जैक्टली g0 by g/2 के इक्वल आ जाएगा ना, सो v0 square by r इक्वल टू g/2, तो v0 की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट gr/2, ये v0 आ गया। अब हमसे पूछा है कि पोल पर पार्टिकल की एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, तो पोल से अगर आप किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दो बेटा, पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दें अपन एस्केप वेलोसिटी ve से, तो v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आप सिंपली लिख सकते हो यहां पर काइनेटिक एनर्जी ½mv² और माइनस पोटेंशियल एनर्जी g m इस प्लेनेट का मास इनटू स्मॉल m पार्टिकल का मास, ठीक है, तो माइनस gm/r इज इक्वल टू 0, राइट। यहां से बेटा स्मॉल m एलिमिनेट हो जाएगा एंड ve जो है वो हमारे पास आ जाएगा विच इज इक्वल टू gm/r, टू gm/r ve² आ चुका है, राइट। अब हमें gm की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हम आपको पता होना चाहिए ग्रेविटेशन में जो ग्रेविटी होती है जी, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली gm/r² के इक्वल होती है, राइट बेटा। तो gm की जो वैल्यू gr² के इक्वल आ गई, सो gm जो है वो gr² के इक्वल है, तो 2gr² / r, r से r कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो ये 2gr के इक्वल आ चुका है। और यहां पे देखिए आप इसको, या इसको डायरेक्ट यहां से रिलेट कर लूं मैं, तो ये r इधर ले जाओ, gr/2 इक्वल टू v0² देन gr = 2v0², तो यहां पे 2gr आया ना, इस 2gr की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 into gr की वैल्यू 2v0² इज इक्वल टू ve², सो v² = 4v0² देन v² velocity is 2v0, तो काफी सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2v0, करेक्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़िए जरा, क्वेश्चन है इस सर्किट कंसिस्ट ऑफ टू कैपेसिटर, अच्छा दो कैपेसिटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, आइडेंटिकल हैं दोनों के दोनों, ठीक है, कैपेसिटी सी है और जो बैटरी लगी हुई है उसका जो ईएमएफ है वो ई इक्वल है, राइट। इनिशियली बोथ द कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड, अब आप क्या प्रोसेस कर रहे हो इसमें, इस कैपेसिटर को पहले की वन से आपने कनेक्ट किया, देन फिर की टू से, वन से टू से, तो वन से करोगे तो ये सी चार्ज होगा ना ये वाला, फिर टू पे कनेक्ट करोगे तो ये
थोड़ा डिस्चार्ज होगा, मतलब इसमें से चार्ज इसमें पास होगा, तो ये वाला चार्ज होगा, इसमें चार्ज कम होगा, फिर वापस वन पे जाओगे, फिर टू पे, वन पे, टू पे, वन पे, टू पे, ये प्रोसेस लगातार आप करते जा रहे हो। इसका मतलब ये चार्ज स्टोर कर रहा है, ये चार्ज इसको दे रहा है, ये चार्ज स्टोर कर रहा है, ये चार्ज इसको दे रहा है, ये लगातार प्रोसेस चलती जा रही है। और लास्ट में अगर हम बात करें, स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी, और उस केस में फिर क्या होगा, ये फुली चार्ज हो जाएगा और ये वाला भी फुली चार्ज हो जाएगा। जब ये दोनों फुली चार्ज हो जाएंगे तो उस केस में आप ये सोचो कि इस पर और इस पर दोनों पे जैसे फुली चार्ज होने का मतलब ये हो गया, जैसे आपने इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर रखा है बैटरी के साथ, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 2C आ गया ना उस केस में, पैरेलल में है। तो फिर इन दोनों पे अगर चार्ज आएगा तो उस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 2C द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड E इज द EMF वोल्टेज अक्रॉस दीज कैपेसिटर्स, देन टोटल चार्ज जो फ्लो होगा इस तरफ बेटा, दैट इज 2C इनटू E, CV होता है ना चार्ज, 2C इनटू E, तो इसका मतलब ये जो चार्ज बैटरी से पास होगा दैट इज 2C, 2C जो चार्ज है वो बैटरी के थ्रू इन दोनों कैपेसिटर्स को मिलेगा बेटा, है ना, ऐसा होगा। तो और बैटरी करंट वर्कडन है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें पैराग्राफ में कौन सा पहला क्वेश्चन है, देखिए बेटा, ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट चार्ज इन माइक्रोकूलम दैट क्रॉसेस द सेल इज, सेल को जो क्रॉस करेगा वो चार्ज कितना है, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 2C into E, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट वर्क डन इन माइक्रो जूल बाय द सेल इज, सेल कितना वर्क करेगा, तो जो बैटरी यहां पे दे रखी थी आपको, है ना, कुछ इस टाइप से ये सेल था, और ये यहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C आया था ना, तो ये 2CE चार्ज इससे पास होगा, और EMF या वोल्टेज जो है बैटरी के अक्रॉस E है, तो वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू चार्ज जो कि उस बैटरी से पास हो रहा है और बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस B। सो WB इज इक्वल टू Q इज 2C बेटा, और V कितना है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज E, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 2CE2, है ना, 2CE2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इतना वर्क बैटरी को करना पड़ेगा ओवरऑल अगर अपन बात करें तो, क्योंकि टोटल चार्ज ही उतना पास हो रहा है तो ऑब्वियसली उतना ही वर्क उसको बैटरी को करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम। इन ए सर्टन रीजन ऑफ स्पेस देयर एग्जिस्ट ए यूनिफॉर्म एंड कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये वाला एक्स एक्सिस है, ओके, जेड एक्सिस बाहर की तरफ आ जाएगा अपने पास। कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, कुछ इस तरफ है ई, ठीक है। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज माइनस क्यू इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन विद स्पीड 2V एट एन एंगल 60 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एक्स वाई प्लेन, तो जो चार्ज पार्टिकल है उस चार्ज पार्टिकल को आपने कुछ इस तरफ 2V स्पीड से लॉन्च किया है, ध्यान से देखना 2V, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, 60 डिग्री एंगल है बेटा, ठीक है। When the x coordinate of particle becomes √3 mv² by QE, तो x coordinate particle का कितना हो गया √3 mv² by QE, ठीक है। A uniform and constant magnetic field of strength B is also switched on along the positive y axis. तो इतने जब इसका x coordinate इतना हो जाएगा तब आपने एक constant magnetic field apply कर दिया है, वो भी positive y direction में है, वो हम बाद में लगा देंगे, ठीक है। तो ये paragraph है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है, ओके बेटा, क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट ये है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको कुछ इस टाइप से दे रखा है, चलिए देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन इज, जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन किया था उस समय बताइए पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, तो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास इतना है, राइट, एक्स कोऑर्डिनेट इतना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस डायरेक्शन लगा रहा है, चार्ज नेगेटिव है, माइनस का क्यू है, ध्यान रखना, तो फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट मतलब कुछ इस तरफ, जैसे जी लगता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको की फीलिंग आ रही होगी शायद, तो कुछ पाथ इसका कुछ ऐसा होगा, राइट, इसमें वैक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है, तो वैक्टर्स दे रखे हैं, तो मुझे ऐसा फील आ रहा है पता नहीं क्यों कि हो सकता है कि पार्टिकल जो है शायद अपनी मैक्सिमम हाइट पे हो, क्योंकि VI कैप भी दे रखा है यहां पर, तो क्यों ना अपन इसकी रेंज कैलकुलेट करके देख लें,
वैसे x कोऑर्डिनेट हमें गिवन है यहां पर, वहां से टाइम की वैल्यू निकाली जा सकती है, तो x कोऑर्डिनेट की हेल्प से करते हैं। चलो तो 2v का x कोऑर्डिनेट जो है वो कितना आएगा बेटा, 2v cos 60 व्हिच इज v, राइट, v आ गया x कोऑर्डिनेट। अगर x कोऑर्डिनेट v है, सॉरी x कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का v है, तो कितने टाइम बाद इसकी जो वेलोसिटी है या कितने टाइम बाद इसका जो x कोऑर्डिनेट इतना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट मतलब sx डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन, सो x इक्वल्स टू vx into t, क्योंकि x डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है, केवल y डायरेक्शन में है, मतलब नीचे की तरफ है। सो vx व्हिच इज v into टाइम t, करेक्ट बेटा, v से v यहां से कैंसिल आउट हो गया, देन विद t इज इक्वल टू रूट 3m v बाय qe, ये टाइम आ गया, मतलब इतने टाइम पर ऐसा कुछ होगा। अच्छा, अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट या इस पॉइंट से मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट निकालूं, वहां के बीच में टाइम कैलकुलेट करूं, तो टी जो है वो यू साइन थीटा बाय जी होगा, क्योंकि 2u साइन थीटा बाय जी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बेटा, तो यू साइन थीटा बाय जी। इसको अगर अपन सॉल्व करें तो यू की जगह तो 2v आ जाएगा, और साइन 60 मतलब रूट 3 बाय 2, ठीक है, और जी जी की जगह एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, QE, Q इक्वल्स टू एम इंटू ए, देन ए इक्वल्स टू क्यू बाय एम, क्यू बाय एम बेटा, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो रूट 3 mv by qe, root 3 mv by qe, इसका मतलब ये definitely top point आ चुका है, maximum height वाला, ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आपको, तो ये बेटा यहाँ पर ये clue मिल चुका है अपन को, और इसी की help से अपन आगे बढ़ेंगे, देखो, ठीक है, okay, तो ये point हमें मिल चुका है, इसका मतलब particle जो है definitely जो है बेटा वो अपने टॉप मोस्ट पोजिशन पे है, यहां पर है कहीं ना कहीं पार्टिकल, और ये x कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है यहां पर, x नॉट इसकी वैल्यू रूट 3 एम वी स्क्वायर बाय क्यू ई थी, ठीक है, ये बाद में देखेंगे कहीं जरूरत पड़े तो। तो वेलोसिटी डेफिनेटली x डायरेक्शन में है, और x कंपोनेंट इज v ना, तो यहां पर x कंपोनेंट ही बचता है, दैट इज v, द डायरेक्शन इज i कैप, देन वेलोसिटी इज v i कैप, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, तो करेक्ट ऑप्शन इज v i कैप, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, तो ये हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आफ्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। अब आपने क्या किया यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया आपने बी वैक्टर, ठीक है, वेलॉसिटी इस तरफ अभी इसके पास वी हो चुकी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके कारण फोर्स लगेगा ही लगेगा इस पर, किस तरफ फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है क्यूई फिक्स, राइट, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कल में रिवॉल्व करने की कोशिश करेगा, तो अगर आप इस सिस्टम को, क्योंकि हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा वो फाइंड आउट करना हमें, तो अगर हम ये पता करें कि इसका पाथ कैसा होना चाहिए, है ना, इसका पाथ किस टाइप से वेरी करेगा, चेंज होगा, तो पाथ को अगर अपन ऑब्जर्व करें तो देखो बेटा फाइंड आउट किया जा सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में आपने अप्लाई कर दिया, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, क्यूबी भी देखा जाए तो बाहर की तरफ, लेकिन माइनस है तो अंदर की तरफ, तो कहीं ना कहीं इसका ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये यूं घूमेगा, केवल यूं इस टाइप से रिवॉल्व करेगा, राइट, क्योंकि वी क्रॉस बी नेगेटिव होता तो बाहर की तरफ होता, लेकिन सॉरी पॉजिटिव होता तो बाहर की तरफ होता, नेगेटिव तो अंदर की तरफ, तो सेंटर जो है सर्कल का वो अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आने का मतलब वेलोसिटी इसकी इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है, तो कहीं ना कहीं ऐसे घूमेगा, करेक्ट, इस टाइप से ये जो है सर्कल में रिवॉल्व करेगा बेटा, ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, वी क्रॉस बी इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव हो नेगेटिव है तो अंदर की तरफ, तो सेंटर जो अंदर की तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो इसका मतलब ये यू रोटेट करेगा सर्कल के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नीचे भी जाएगा ऐसे घूमते घूमते, करेक्ट, इस टाइप से घूमते घूमते नीचे भी बेटा मूव करना स्टार्ट करेगा, है ना, तो कुछ इस टाइप से इसका पाथ होगा। तो अब हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है इसका, तो एक काम करते हैं अपन, यहां से इसको ऑब्जर्व करते हैं, यहां से अगर मैं ऑब्जर्व करूं इस सिस्टम को, तो हमें x एक्सिस जो है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है, और y एक्सिस देखो i के सामने, तो y एक्सिस अंदर की तरफ एग्जिस्ट करेगा मतलब, और z जो बाहर की तरफ, वो z इस तरफ दिखेगा हमें, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से अपन को जो है वो दिख रहा है, और पार्टिकल कहीं ना कहीं यहां पर है अभी, और पार्टिकल की वेलोसिटी बेटा x एक्सिस के अलोंग मतलब कुछ इस तरफ है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है बेटा, देखो, है ना, तो इसका मतलब
वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेट के अंदर वी क्रॉस बी इस तरफ, लेकिन माइनस है तो इस तरफ, तो इसका मतलब इसका पाथ कैसा आएगा, यू इस टाइप से सर्कल आएगा, इस तरफ माइनस जेड हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो अगर पार्टिकल कुछ टाइम बाद में यहां पहुंचता है सपोज, ठीक है, तो अपने गौर से देखना, पार्टिकल यहां पहुंच गया तो कुछ एंगल थीटा इसने ट्रेवल किया, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट की अगर बात की जाए बेटा, तो ये रेडियस ऑफ सर्कल जो है इसका, वो डेफिनेटली आर इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू भी होगा ना, वेलोसिटी वी है, डी है और चार्ज क्यू है, तो यहां पर जो रेडियस आर इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू भी के इक्वल होगा, कंफर्म है। और एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें अगर अपन, तो यहां से देखा जाए तो ये थीटा है अगर एंगल, तो ये वाला लेंथ कितनी है, आर साइन थीटा, और ये एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिनल वाला जो था, इनिशियल वाला जो था, जब ये पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन किया था, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स नॉट था, तो दिस डिस्टेंस इज एक्स नॉट एंड दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस इज आर साइन थीटा। सो द फाइनल जो एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा हमारे पास, विच इज एक्स नॉट प्लस आर साइन थीटा, करेक्ट बेटा। एक्स नॉट की तो वैल्यू है हमारे पास, एक्स नॉट कितना है, रूट थ्री एम वी स्क्वायर बाई क्यू बी है, क्यू ई है सॉरी, ठीक है, प्लस में आर, आर कितना है एम वी बाई क्यू बी, वो अभी अभी हमने देखा, और साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा ओमेगा इंटू टी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है जो कि क्यू बी बाई एम के इक्वल होती है, ठीक है, तो क्यू बी बाई एम इंटू में टी। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो यहां से अगर आप मैच करवाओ बेटा, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी टाइप का है, अब इसमें पूछा है कि जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताइए, जेड कोऑर्डिनेट पूछा आपने से, ठीक है। तो जेड कोऑर्डिनेट देखा जाए, नेगेटिव जेड कोऑर्डिनेट दिख रहा है इस तरफ है, देखो, तो पार्टिकल ये देखो, ये तो पूरा कंप्लीट आर है ना, ये आर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी यहां से यहां तक, ये वाली आर कॉस थीटा आएगी ना, तो पार्टिकल का जेड कोऑर्डिनेट ये वाला गैप आएगा ना, बस इतना सा, देखो, बस केवल इतना सा आएगा, देखो ये वाला, तो ये r है और ये r cos थीटा, तो r माइनस r cos थीटा है, नहीं आया, लेकिन नेगेटिव का z है, दैट मींस z कोऑर्डिनेट इज माइनस r, ब्रैकेट में लिख दो r cos थीटा, तो ये वैल्यू आ गई माइनस r, r कितना है mv / qb है, और 1 माइनस cos थीटा थीटा वही अगेन ओमेगा, ओमेगा इनटू t, तो cos ओमेगा मतलब qb / m इनटू t, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव के अंदर, ये आप मैच कर सकते हो बेटा। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका मैच हो रहा है बेटा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका मैच हो जाएगा, ओके, ये भी नेगेटिव लेकिन यहां पे प्लस है, ठीक है बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, तो ये आपके सिंगल करेक्ट वाले जितने भी थे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं मोर देन वन पे, मोर देन वन वाले जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 मोर देन वन वाले सेक्शन में, टू पॉइंट्स चार्जेस, point charges q and minus q by 4 are separated by a distance x, then इनमें से correct option अपन को बताना है। तो दो charge है q और minus q by 4, एक दूसरे से x distance पर बेटा, और चलिए तो ये दो charge अपन यहाँ पे consider कर लेते हैं, एक तो है q और एक है minus का q by 4, ये दो charge अपने पास, ठीक है, okay, और distance x से ये separated है, ठीक है। पूछा क्या है, द पोटेंशियल इज जीरो एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस विच इज एक्स बाई थ्री ऑन द राइट साइड ऑफ द चार्ज माइनस क्यू बाई फोर, ये चेक करेंगे। अगेन सेकंड भी ऐसा ही है, पोटेंशियल इज जीरो एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस विच इज एक्स बाई फाइव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ज माइनस क्यू बाई फोर, लेफ्ट एंड राइट अपन को चेक करना है। तो पहले अपन एक काम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि राइट साइड में जो है वो पोटेंशियल जीरो है, राइट, राइट साइड में मैं यहां पर कुछ डिस्टेंस पर पोटेंशियल जीरो, लेट से डिस्टेंस वाई, y डिस्टेंस पर अपन को देखना है कि पोटेंशियल जीरो अगर है तो y की वैल्यू कितनी है, ओके, तो p पॉइंट पर अगर पोटेंशियल जीरो बेटा, तो q चार्ज के कारण p पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा, k q by x plus y ना, ठीक है, x plus y, ओके, और माइनस q by 4 के कारण p पॉइंट पर कितना आएगा, माइनस k q by 4 y, राइट, इज इक्वल टू जीरो। तो पोटेंशियल जीरो करना है, तो यहां से के क्यू हट चुका है, इसको उधर ले जाइए, 4y इक्वल्स टू कितना आया, x प्लस y, देन 3y इक्वल्स टू x, देन y इक्वल्स टू कितना आ गया, x बाय 3, y x बाय 3 आ गया, मतलब अगर राइट में चल रही हो तो x बाय 3 पर डेफिनेटली पोटेंशियल जीरो हो जाएगा।
लेकिन अगर मैं पॉइंट बेटा इस तरफ ले आऊं, यहां पे ले आऊं, सपोज कोई पॉइंट है आर सपोज, और इसकी डिस्टेंस अगर वाई है यहां से, यहां पर अगर मैं पोटेंशियल को जीरो ज्यूम करूं तो क्यू के कारण यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस कितनी बचेगी, एक्स माइनस वाई, और माइनस क्यू बाय फोर के कारण माइनस के क्यू बाय फोर वाई इज इक्वल टू जीरो, के क्यू हट चुका है यहां से, अगेन वही सेम मल्टीप्लाई करो, फोर वाई इक्वल टू कितना आया, एक्स माइनस वाई, फाइव वाई इक्वल टू एक्स, देन वाई इक्वल टू एक्स बाय फाइव, तो एक्स बाय फाइव लेफ्ट में पोटेंशियल जीरो आ रहा है और एक्स वाई इक्वल टू एक्स बाय थ्री राइट में पोटेंशियल जीरो आ रहा है, तो ये देखते हैं अपन सही है या नहीं है। देखो तो फर्स्ट जो है वो कह रहा है कि राइट साइड में जो है वो एक्स बाई थ्री पे आ रहा है, तो डेफिनेटली सही है, राइट साइड में एक्स बाई थ्री है, ठीक है, और लेफ्ट साइड में बात करें तो एक्स बाई फाइव है, ये भी सही आ रहा है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो बेटा डेफिनेटली करेक्ट है। और थर्ड कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस व्हिच इज एट अ डिस्टेंस एक्स ऑन द राइट साइड ऑफ द चार्ज माइनस क्यू बाई फोर, माइनस क्यू बाई फोर से राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वो भी डिस्टेंस एक्स पर, इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर लेंगे अपन जीरो है कि नहीं है राइट साइड में, डेफिनेटली क्योंकि जो छोटा चार्ज है ना उसके उसके साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली जीरो हो सकता है, और देयर एग्जिस्ट टू पॉइंट्स ऑन द एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल इसी तरफ ही जीरो हो सकता है, इस तरफ जीरो हो नहीं सकता बेटा क्योंकि ये लार्ज है इससे बड़ा है, तो इस तरफ फील्ड जीरो नहीं होगा, और बीच में कहीं ना कहीं फील्ड जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्यू पॉजिटिव है, क्यू ये वाला नेगेटिव है, तो इस तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो फील्ड केवल और केवल बेटा इस तरफ ही जीरो होगा। अब वो कितने डिस्टेंस पे जीरो होगा उसको चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है, तो वाई डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर लो, अब जीरो करेंगे तो जीरो के लिए देखो क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक कितना आएगा, एक्स प्लस वाई डिस्टेंस पर, के क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और क्यू के कारण किस तरफ आएगा, इस तरफ, और माइनस क्यू के कारण इस तरफ आएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो क्यू बाय फोर के कारण कितना आएगा, के क्यू बाय फोर अपॉन वाई स्क्वायर, सही है, के क्यू से के क्यू कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट कर दीजिए तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू वाई आ गया, देन एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू एक्जैक्टली एक्स के बराबर, इसका मतलब वो वाला ऑप्शन जो है बेटा वो करेक्ट है, मतलब हमारे पास करेक्ट जो ऑप्शन है बेटा वो कौन सा आ गया, फर्स्ट भी करेक्ट है, ठीक है, तो फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट है, और थर्ड भी करेक्ट है, राइट, इन फोर्थ करेक्ट नहीं है, फोर्थ इनकरेक्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे बेटा। तो चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, तीन प्लेट्स आपको गिवन है, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट्स है, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है, इस पे टू क्यू है, आपसे पूछा है कि ए बी सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए ई बी और ई सी है, तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट, तो पूरे पे कंप्लीट क्यू है ना, तो इसकी एक लेयर मान लो चार्ज की, खत्म, एक लेयर मान लो चार्ज की जिसपे क्यू है, इस पे माइनस क्यू, तो इस पे माइनस क्यू की एक लेयर कंसिडर कर लो, और इस पे 2q है कंप्लीट पे, तो इस पे भी एक लेयर कंसीडर कर लो, इस पे चार्ज 2q है, राइट बेटा। अब आप अगर आपसे ये पूछा जाए कि पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर, तो इस q के कारण इस तरफ आएगा, इस माइनस q के कारण इस तरफ आएगा, इसके कारण कितना आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट q बाय a, एरिया a है सपोज, तो q बाय a बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण भी q बाय a बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ, इसका मैं लिख देता हूं q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इस वाले के कारण, और इस वाले के कारण भी कितना आएगा q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा q बाय a एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, लेकिन 2q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली इस तरफ आएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर अपोजिट होगा, तो मतलब माइनस 2q बाय a बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मैंने चार्ज की लेयर कंसीडर कर लिया यहां पर, कट गया इससे, तो q बाय एप्सिलॉन माइनस q बाय एप्सिलॉन कितना आया, जीरो आया ना, तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बड़ा जीरो है, तो जीरो कहां पे आ रहा है, जीरो भैया थर्ड एंड फोर्थ दोनों में आ रहा है, तो चेक करते हैं आगे, देखते हैं, देखो बी पॉइंट पे आ जाओ, बी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस तरफ आएगा, इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इस तरफ आएगा, और जस्ट एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, ये भी कंफर्म है, और वैल्यू भी सेम होगी, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जीरो हो जाएगा, लेकिन ये जो 2q है ना, 2q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस पॉइंट पे डेफिनेटली इसी तरफ आएगा, रिपल्सिव ना, इस तरफ आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगेन वही सेम 2q by a by 2 epsilon, मतलब q by a epsilon नॉट, q by a epsilon नॉट इस पॉइंट पर आ गया, तो b पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ये कंफर्म है, q by epsilon के बराबर है। अब बात करते हैं c पर, c पर यहां पर इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बेटा
इस वाले प्लस क्यू के कारण कितना आएगा, इस तरफ आएगा, माइनस क्यू के कारण किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस टू क्यू के कारण किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी टू क्यू, वही सेम चीज अपॉन में टू ए एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट, कट गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो बी और सी दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू सेम आई और ई पर, ए पर कितनी आई, जीरो आई, तो फोर्थ ऑप्शन बेटा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ओके बेटा, क्या दे रहा है आपको, ए रेडियस का एक बेटा शेल है ए, ठीक है, अगर आप बोर्ड से देखें शेल ए को, तो ये है शेल ए, इसका रेडियस है ए, करेक्ट, जो बी है ना, बी शेल जो थिक है थोड़ा, उसका इनर रेडियस 2a है और आउटर रेडियस 3a है, और जो शेल बी है उस पर आपने चार्ज क्यू दे दिया है और अंदर वाले स्फीयर को आपने अर्थ कर दिया है, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट करने मतलब वहां पे पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो हो चुका है, तो पोटेंशियल को जीरो करना है। तो पूछा है चार्ज ऑन शेल ए विल बी, ए पे चार्ज पूछा है, फिर आउटर सरफेस पे चार्ज पूछा है, तो ये कुछ कैलकुलेशन अपन को करनी है। ठीक है, तो चलो करते हैं हम कैलकुलेशन बेटा। ओके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। ठीक है बेटा आइए, तो ये रेडियस जो है ये ए है, ठीक है, एक सेकंड, रेडियस ए 2a एंड 3a, ओके, तो ये इनर रेडियस जो है वो 2a हो जाएगी और ये आउटर रेडियस कितनी है, 3a है बेटा। ठीक है, आपने इसको चार्ज क्यों दे रखा है, आपने इसको ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड करने का मतलब बेटा इस पे चार्ज अज्यूम कर लीजिए, जैसे क्यू चार्ज है इस पे, ठीक है, इस पर चार्ज कितना है, क्यू है, तो इस पे चार्ज अगर क्यू दिया ए पर, तो बेटा जो शेल बी है ना, इसकी इनर सरफेस पर अपोजिट पोलरिटी का चार्ज आ जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा माइनस पर, करेक्ट, और इस पे टोटल चार्ज क्यू है, तो आउटर सर्फेस पे, इस पे इनर सर्फेस पे माइनस क्यू है, तो आउटर सर्फेस पे पक्का पक्का क्यू प्लस का और प्लस में कैपिटल क्यू आ जाएगा बाहर की सरफेस पे चार्ज। ठीक है, अगर इस चार्ज को मैं प्लस अज्यूम करूं तो यहां माइनस क्यू और बाहर की तरफ क्यू प्लस क्यू आ जाएगा। अब यहां पर जो पोटेंशियल है वो जीरो होना चाहिए, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल इसके कारण कितना आएगा, के क्यू बाय ए ना, के क्यू बाय ए, और इस पे टोटल चार्ज कितना है, इस वाले के कारण कितना आएगा, माइनस के क्यू बाय टू ए, ये भी एक शेल है ना, थिन शेल है, उसके कारण पॉइंट पर सेंटर पे कितना आएगा, के क्यू बाई टू ए नेगेटिव में, और इसके कारण कितना आएगा प्लस, क्यों पॉजिटिव है, के क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो यहां से देखो ये के बाय ए, के बाय ए, के बाय ए, यहां से आप रिमूव कर सकते हो इसको, इसको फर्दर अपन सॉल्व करें बेटा, तो क्यू माइनस क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई थ्री प्लस क्यू बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो, हमें क्यू की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करनी है बेटा। ठीक है, यहां से क्यू की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अच्छा यहां पे गलती कर देते, ये के स्मॉल क्यू है, राइट, ये के स्मॉल क्यू बाय ए है, स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू, राइट, के स्मॉल क्यू बाय ए और माइनस का के क्यू बाय टू ए एंड देन के क्यू। ठीक है, अब ठीक है, चलिए तो अब इसको देखें अपन कितनी वैल्यू आती है यहां पर, तो क्यू माइनस क्यू बाय टू, क्यू बाय टू एंड क्यू बाय टू एंड क्यू बाय थ्री कितना आ जाएगा, फाइव क्यू बाय सिक्स, फाइव क्यू बाय सिक्स is equal to minus q by 3, ठीक है, से कट करो 2, then q equals to कितना आ गया बेटा, minus का 2q by 5, तो जो चार्ज q आ रहा है ना, q किस सरफेस पर, अंदर वाले गोले की सरफेस पर चार्ज आ जाएगा minus का 2q by 5, ओके, तो ये minus का 2q by 5 है, तो ये minus का q है, इसका मतलब ये plus का 2q by 5 आ जाएगा इनर सरफेस पर, plus का 2q by 5, और जो आउटर सरफेस है वहां पर q plus q है, तो q plus q and q की वैल्यू कितनी, माइनस का 2q by 5 है, then 5 minus 2 मतलब 3q by 5। ठीक है, तो सारे चार्ज हम फाइंड कर चुके हैं, अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा बेटा। तो ये कह रहा है फर्स्ट, कह रहा है चार्ज ऑन द शेल ए विल बी माइनस q by 5, तो ये ऑप्शन बेटा इसका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है,
चार्ज ऑन द शेल ए विल बी माइनस टू क्यू बाई फाइव, ये इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा क्योंकि माइनस टू क्यू बाई फाइव ही चार्ज आया है। और थर्ड कह रहा है चार्ज ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द शेल बी, शेल बी का आउटर सर्फेस भी कितना आया, थ्री क्यू बाई फाइव आया, तो वो एकदम सही आया बेटा आंसर। और चार्ज ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द शेल बी, ये तो गलत हो गया, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं इसमें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फिक्स रोड आपको गिवन है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी बेटा इस पे लैम्डा गिवन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, राइट, और इससे बी पॉइंट दे रखा है एल डिस्टेंस पर और ए पॉइंट दे रखा है टू एल डिस्टेंस पर, और इस रॉड की खुद की जो लेंथ है वो एल के इक्वल है। आपसे क्या क्या पूछा है इसके अंदर, इसमें पूछा है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रॉड एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, राइट। सेकेंड पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रॉड एट पॉइंट ए, मतलब दोनों पॉइंट ए के लिए पूछा है, इसमें दोनों में चेक करना है अपन को, मतलब अल्टीमेटली हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा किसी भी पॉइंट पर, पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें अपन, तो चलिए अब इसको नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं अपन। ठीक है, ओके बेटा, तो नेक्स्ट पार्ट पे देखें तो ये एक रॉड है बेटा, ठीक है, और इस रॉड से यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट दे रखा है, ये डिस्टेंस आर मान लीजिए, ये लैम्डा चार्ज डेंसिटी है इस पे, ठीक है, और यहां पर मैंने एक एलिमेंट्री चार्ज कंसीडर किया, यहां से डिस्टेंस मैंने एक्स कंसीडर कर ली, तो इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो डी एक्स, तो इस एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा इंटू डी एक्स, यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा होता है तो डी एक्स लेंथ पे लैम्डा इंटू डी एक्स आएगा, तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, उस पोटेंशियल की वैल्यू स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका डी वी इक्वल्स टू के डी क्यू बाई आर या डी क्यू बाई एक्स, जो डिस्टेंस है एक्स है, तो डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एक्स और एक्स की वैल्यू एक्स रख दी मैंने यहाँ से, इंटीग्रेट करें बेटा पोटेंशियल हमें पूरी रॉड के कारण फाइंड आउट करना है, तो इनिशियल लिमिट तो यहाँ तक आर तक लगेगी, आर की इनिशियल लिमिट एक्स की, सॉरी एक्स की इनिशियल लिमिट इज आर, और फाइनल लिमिट जो बेटा रॉड के अदर एंड तक जाएगा, ये लेंथ आपको एल दे रखी थी तो एल प्लस आर हो जाएगा, तो लोअर लिमिट इज आर एंड अपर लिमिट इज एल प्लस आर, तो यहाँ से डी वी का वी हो जाएगा, वी इक्वल्स टू हमारे पास आ गया के लैम्डा वन अपॉन एक्स डी एक्स लॉग एक्स आ जाएगा, तो अपर लिमिट एल प्लस आर लोअर लिमिट आर, तो एल एन आर प्लस एल बाय आर, ये पोटेंशियल आ जाएगा बेटा इस रॉड के कारण किसी भी पॉइंट जिसकी डिस्टेंस इस एंड से कितनी है आर है, तो पोटेंशियल की वैल्यू ये आ गई बेटा हमारे पास। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं, चलो तो हमसे ये पूछा है पोटेंशियल ड्यू टू रोड एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना बेटा, पॉइंट ए की डिस्टेंस कितनी है 2l, तो इसका मतलब r की वैल्यू 2l रखनी पड़ेगी हमें, r की वैल्यू अगर आप 2l रखोगे तो 2l plus l मतलब 3l by 2l मतलब 3 by 2, 3 by 2 आना चाहिए, ln 3 by 2 आ रहा है ना फर्स्ट ऑप्शन में, और k की वैल्यू 1 upon 4 pi epsilon होता है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका बेटा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड इसका इनकरेक्ट हो गया। अब थर्ड क्या कह रहा है, वर्क डन बाय द एजेंट टू मूव द चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम ए टू बी, अच्छा ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना, तो ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू सिंपल आप लिख सकते हो चार्ज मतलब माइनस क्यू, राइट, इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, सिंपल माइनस क्यू को आप लेके जा रहे हो कहां से, ए से बी तक स्लोली स्लोली, तो सीधी सी बात है ये रॉड उसको अट्रैक्ट करेगी इस तरफ, अट्रैक्ट करेगी तो वो तो अपने आप ही चला जाएगा, इसका मतलब आप तो फोर्स इस तरफ लगा रहे हो लेकिन आप लेके इधर जा रहे हो, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए बेटा। खैर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, तो माइनस क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल कौन सा है यहाँ पर, बी है, वी बी है, और वी इनिशियल कौन सा है, वी है, वी बी माइनस वी है, राइट, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल एक्जैक्टली बेटा कितना आ जाएगा, माइनस क्यू तो आएगा ही आएगा, वी बी रखना है हमें फिर माइनस वी रखना है, तो वी बी ध्यान से देखना, लैम्डा के लैम्डा तो आएगा आएगा, वो तो मल्टीप्लाई के अंदर वी तो आएगा ना, के लैम्डा इजीली आएगा, उसको साइड में कर दो, एल एन आर प्लस एल बाय एल है, तो सबसे पहले बी की बात करें, बी के लिए आर की वैल्यू एल है, तो ये एल प्लस एल बाय एल टू एल बाय एल मतलब ये आ जाएगा टू एल एन टू, और इसमें कितना आया था एल एन थ्री बाय टू, तो एल एन टू माइनस एल एन थ्री बाय टू, एल एन टू माइनस एल एन थ्री बाय टू, राइट, तो सब्ट्रैक्शन है, राइट, ln 2 माइनस ln 3 बाई टू, यही तो हुआ, तो सब्ट्रैक्शन बेटा, सब्ट्रैक्शन करोगे तो log a बाई बी हो जाएगा ना, तो 2 बाई 3 बाई 2 तो 4 बाई 3 आ जाएगा,
तो माइनस का क्यू के है ना, क्यू के लैम्डा एल एन 4/3, तो नेगेटिव आएगा और के की वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन बटा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा मिल रहा है अपन को, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट मिल रहा है, बाकी फोर्थ इसका इनकरेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन द स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में इतना तो पता है हमें, कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएंगे और जिस ब्रांच में कैपेसिटर कनेक्टेड होगा उस कैपेसिटर से मतलब या उस ब्रांच में कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको सर्किट ये नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं वाले और नहीं होने वाले, लेकिन यहाँ पे 20 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से करंट इस तरफ फ्लो जरूर होगी। लेट से दिस करंट इज आई, ये करंट फ्लो हो रही है, लेकिन इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी बेटा, करंट इसमें जीरो है। तो अगर ये करंट अगर आई है, ठीक है, ये सारे सीरीज में है, तो 20 या 10 अपोजिट है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया, 20 माइनस 10 10 10 वोल्ट ना, और रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2+3 5, इस सर्किट के लिए 5 5, देन आई इक्वल्स टू 2 एम्पियर करंट आ गया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, देन व्हाट इज बीए माइनस बीबी, बीए माइनस बीबी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप इसमें लिख सकते हो। तो देखो, हाई से लो प्लस का 10, करंट इधर जा रही है, तो आई इंटू 3, 3 की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू कितनी है 2, 2 इंटू 3 6, तो ये 16 वोल्ट आ गया। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 16 वोल्ट है बेटा। ठीक है, अब हमसे पूछा है 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर जो है या 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर जो है, इन पे चार्ज जो है 44 माइक्रोकुलम है ना, बाकी और भी मतलब चार्ज से रिलेटेड चीजें पूछी है, करंट के बारे में पूछा है, तो हम सबसे पहले चार्ज की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहां तक कैलकुलेट कर लिया है, तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करें बेटा, देखो अच्छा, ये 6 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड दोनों सीरीज के अंदर है, तो 6 एंड 3 में जो भी चार्ज आएगा सेम आएगा, एंड 6 एंड 3 सीरीज में, इसका मतलब 6 और 3 का सीरीज में कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड, तो इसका इक्विवेलेंट अगर मैं डायग्राम बनाऊं कुछ ऐसा बना सकता हूं, देखो आर, ये आ जाएगा हमारे पास कैपेसिटर, ये बैटरी, ये लो, ये टर्मिनल आ गया बी, ये टर्मिनल आ गया ए। ठीक है, तो ये 2 माइक्रोफेरेड आ चुका हमारे पास, ये 6 वोल्ट है बेटा। अब सिंपल है केस देखो, अच्छा इस VA माइनस VB अगर मैं करूं, VA माइनस VB इस सर्किट के लिए, तो I तो है नहीं इसमें, IR 0 हो जाएगा, प्लस इसमें Q/C आ जाएगा, चार्ज अगर Q है तो Q/C पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस का 6, लो से हाई माइनस का 6, और VA माइनस VB की वैल्यू कितनी है 16 वोल्ट है बेटा, तो ये 16 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो यहां पे अपन लिख देंगे 16 और ये 6 इधर आ जाएगा, 6 प्लस 16 इक्वल्स टू Q/C, एंड C इक्वल्स टू कितना है 2 माइक्रोफेरेड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 और 6 कितने हो गए 22, 22 मतलब 44, तो 44 माइक्रोकुलम दोनों पे चार्ज आएगा कैपेसिटर्स पे, है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो गया बेटा। सेकंड देखिए, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर 0 इनकरेक्ट हो गया, करंट इन द आर रेजिस्टर इज 0, आर में करंट 0 होगी, ऑब्वियसली 0 होगी यार, है ना, क्योंकि स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है। फोर्थ कह रहा है चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स डिपेंड ऑन आर, क्या आर पे डिपेंड करेगा, नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि आईआर तो 0 हो चुका है ना, यहां पर आईआर 0 हो चुका है, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से आर पे डिपेंड नहीं करेगा, आर कुछ भी हो, तो चार्ज जो है कैपेसिटर पर 44 माइक्रोकुलम ही रहेगा। तो इसमें थर्ड भी सही है, फर्स्ट भी सही है, लेकिन सेकंड एंड फोर्थ जो है बेटा वो इनकरेक्ट हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ लिया होगा। तो दो रेल्स है ना, टू रेल्स हैं, थोड़ी इंक्लाइंड हैं, उनके ऊपर एक रॉड रखी हुई EF, इसका मास आपको M दे रखा है, और ये जो रेल्स हैं वो फ्रिक्शनलेस है, तो इनको अगर साइड व्यू अगर आप लो तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है, इस टाइप से, और ये जो रॉड है, ये रॉड का क्रॉस सेक्शन बेटा मैं कुछ इस टाइप से बना सकता हूं, यहां पर ये वाला एंगल थीटा है यहां पर, ठीक है, और बस, तो रॉड का मास अगर M है तो डेफिनेटली इस तरफ जो है वो mg sin थीटा फोर्स आप लगा ही दोगे, कंपोनेंट लेना जानते ही हो आप, इस तरफ आ जाएगा mg cos थीटा, और नॉर्मल इस तरफ एग्जिस्ट करेगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ग्राउंड के परपेंडिकुलरली अपवर्ड है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमें यहां पर गिवन है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड लग रहा है बेटा, अपवर्ड है इस तरफ, ठीक है, ये इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये रॉड कुछ इस तरीके से मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है रॉड का, अब सीधी सी बात है बेटा, इस पे मैग्नेटिक फोर्स जो है कुछ ना कुछ ये बैलेंस्ड है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स कहीं ना कहीं इस तरफ लगना चाहिए, इसी तरफ लगना चाहिए, तो
तो अगर करंट इसमें E से F की तरफ फ्लो करे, सपोज, तो करंट मतलब E से F मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, देखो ऊपर करंट इधर, तो L क्रॉस B करोगे तो फोर्स इधर लग रहा है। अगर करंट मैं बाहर की तरफ ले आऊं, इस तरफ ले आए और B ऊपर की तरफ, तो L क्रॉस B इस तरफ लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगेगा, तो रॉड हवा में आ जाएगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स अगर इस रीजन में लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब करंट को ई से एफ की तरफ ही फ्लो होना पड़ेगा, ये तो पता लग ही रहा है अपन को। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लग जाएगा अगर करंट ई से एफ जा रहा है, तो आई एल भी लगेगा ना, आई करंट, एल जो रॉड की लेंथ है, रॉड की लेंथ जो है वो एल के बराबर ही है बेटा, एल यहां पर कैपिटल एल है, मैंने स्मॉल एल कंसीडर कर लिया, ठीक है। बाकी मैग्नेटिक फील्ड बी है तो आई एल भी फोर्स लग गया, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला भी थीटा होगा, तो इसका मतलब आई एल बी का ये वाला जो कंपोनेंट वो आ जाएगा आई एल बी कॉस थीटा, और एक इस तरफ आ जाएगा आई एल बी साइन थीटा। अच्छा, ये एन को बैलेंस कर देंगे दोनों सम होकर, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो एम जी साइन थीटा आई एल बी कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा, तो सो एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू आई एल बी कॉस थीटा, देन आई एल बी इक्वल्स टू एम जी टेन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, तो आई एल बी इज एम जी टेन थीटा, तो मतलब सेकंड ऑप्शन पक्का कन्फर्म है, करेक्ट है। ये इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, आई मस्ट फ्लो फ्रॉम ई टू एफ, ई टू एफ फ्लो रहा, यस, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको केयरफुली रीड कर लीजिए। तो R1 R4 equals to R2 R3, इसका मतलब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, ये दोनों जो नॉड्स हैं बेटा, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल सेम होने का मतलब इस ब्रांच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं करती, चाहे कितना भी रेजिस्टेंस गिवन क्यों ना हो, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो चुका हमें, ठीक है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पर R1 by R2 लिख दो चाहो तो, इज इक्वल टू R3 by R4, है ना, इस वे से आप लिख सकते हो, या ये भी ठीक है, R1 by R3 equals to R2 by R4, है ना, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो आप। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ पोजीशंस ऑफ बैटरी एंड गैलोमीटर आर इंटरचेंज्ड, देन गैलोमीटर विल स्टिल शो जीरो डिफ्लेक्शन। तो कैसा हो सकता है ये रिलेशन, तो ठीक है यहां पर, तो अगर आपने इस सर्किट के अंदर बेटा ध्यान से देखिएगा, जो यहां पर बैटरी आपने कंसीडर कर ली और यहां पर ये गैलोमीटर आपने कनेक्ट कर दिया, तो अगर गैलोमीटर यहां कनेक्ट करोगे, तो अब जो R1 R2 है, ये R1 है अभी भी, ठीक है, ये R2 है, R3 है, और ये R2 और ये R4, ठीक है। तो एक्चुअल में गैलोमीटर यहां पर है, यहां पर कनेक्टेड है इन दोनों के बीच में, और बैटरी को बाहर से ऐसे कनेक्ट कर दो, तो इसको थोड़ा सिंपल कर दो, थोड़ा सही लगे ये, देखना इस टाइप से, ये गैलोमीटर आ गया ऐसे करके, ठीक है, तो ये R1, R2, R3 और ये R4, और जो बैटरी है ना बेटा, वो बैटरी यहां जोड़ दी इन दोनों स्टैंड्स के बीच में, ठीक है। अब ठीक है, तो अगेन अगर ये बैलेंस्ड है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दी, तो इसका मतलब R2 by R1 यही होना चाहिए ना, R2 by R1 इसके अकॉर्डिंग अगर ये बैलेंस्ड है, तो इज इक्वल टू R4 by R3 होना चाहिए, है ना, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ऐसे इसको घुमा के देखो, तो इसका मतलब R1 इससे मल्टीप्लाई कर दो R3, तो R2 R3 इक्वल टू R1 R4, तो वही कंडीशन आगे मैच कर गई, इसका मतलब अभी भी ये बैलेंस्ड है, इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगी गैलोमीटर के अंदर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी बेटा जीरो, अभी भी जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। लेकिन इसमें सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड देखो, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन थ्रू R1 विल चेंज इफ पोजीशन ऑफ बैटरी एंड द गैलोमीटर आर इंटरचेंज्ड, तो R1 में जो रेट ऑफ डिसिपेशन है, मतलब I स्क्वायर R जो है, उसमें कोई बदलाव आएगा क्या, उसमें आ सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, देखो क्योंकि अगर आप देखें यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जीरो है, राइट, ये कंफर्म हमें, ठीक है, ये हमें कंफर्म पता है यहां पर, राइट, तो इसको अगर मैं यहां से रिमूव कर दूं एक बार, ठीक है, तो वैसे गैलोमीटर का कोई यूज नहीं है क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, तो बैटरी को अगर आप इसे कनेक्ट करोगे, तो बेटा ऐसा कंफर्म है, हो सकता है पूरा पूरा चांस है कि इस ब्रांच में जो करंट जाए और इस ब्रांच में जो करंट जाए वो डिफरेंट डिफरेंट जाए, क्योंकि इस ब्रांच में करंट कितनी जाएगी, V अपॉन में R1 प्लस R3 जाएगी, ये कंफर्म है, और इस ब्रांच में करंट कितनी जाएगी, V अपॉन में R2 प्लस R4 जाएगी, जाएगी ना, तो इस ब्रांच में करंट अभी V अपॉन में R1 प्लस R3 जा रही है, और जब ऐसा कनेक्शन है तो भी गैलोमीटर का कोई मीनिंग नहीं है, तो अब बताओ R1 में कितनी करंट जा रही है, V अपॉन में R1 प्लस R2 जा रही है,
अब यहां पे कितनी जा रही है, v अपॉन में r1 + r3, इसमें v अपॉन में r1 + r2 हो जाएगी करंट, इसका मतलब करंट डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है तो i स्क्वायर r करोगे तो ऑब्वियसली जो हीट डिसिपेशन वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा बेटा, तो सेकंड ऑप्शन भी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड कह रहा है इफ ईएमएफ इज डबल स्टिल नो डिफ्लेक्शन शोन बाय द गैलन, ऑब्वियसली क्योंकि बैलेंस जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ब्रिज बैलेंस्ड है तो बैटरी का जो ईएमएफ है वो डबल करो ट्रिपल करो कुछ भी करो लेकिन गैलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो ऑप्शन थर्ड भी इसका करेक्ट है बेटा। इफ गैलोमीटर इज नॉट आइडियल इट विल शो डिफ्लेक्शन इफ ईएमएफ इज डबल, नहीं ये तो इनकरेक्ट है, गैलोमीटर यहां पर आइडियल लो या रेजिस्टेंस इंक्लूड कर लो डजंट मैटर, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम ही है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा तो यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसका मतलब ये फोर्थ इनकरेक्ट हो गया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके बेटा करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ठीक है तो क्वेश्चन नंबर एट पे आ चुके हैं हम। आइए तो आपको एक सिंपल सा सर्किट दिखा रखा है यहां पर, 10 ओम 20 ओम 30 ओम तीनों को आपस में ज्वाइन कर रखा है और इनके जो एंड्स हैं उनकी उनके ऊपर पोटेंशियल आपको गिवन है 70 वोल्ट 0 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। हमसे इन पे करंट पूछा है बेटा कि इन ब्रांचेस में करंट कितना है, एडी के अंदर डीबी के अंदर डीसी के अंदर, राइट। तो जो डी पॉइंट है उसका पोटेंशियल मैं वी नॉट कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। और अब हम यहां पर केसीएल अप्लाई कर देते हैं, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो करंट है वो सपोज बाहर की तरफ जा रही है, सपोज इसमें बाहर की तरफ जा रही है, इसमें भी बाहर की तरफ जा रही है I2 और इसमें भी बाहर की तरफ जा रही है I3, I1 इस तरफ I2 इस तरफ I3 इस तरफ, तो इनकमिंग करंट तो है नहीं, सारी की सारी आउटगोइंग करंट है, इसका मतलब I1 plus I2 plus I3 should be zero ना, तो I1 कितना आएगा V0 minus 70 by 10, ठीक है, डेल्टा V बराबर IR मतलब I बराबर डेल्टा V by R plus इसमें कितना आएगा V0 minus 0 by 20 20 और इसमें कितना आएगा V0 minus 10 by 30 is equal to 0 बेटा। अब थोड़ा कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, LCM जो 0 0 हट जाएगा 6 आ जाएगा, LCM 6 LCM आएगा तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 V0 minus 420 आ गया प्लस ये 3 आ जाएगा 3 V0 प्लस ये 2 V0 minus 20, ठीक है, V0 minus 20 is equal to 0, तो यहां से आपके पास वैल्यू देखो कितनी है बेटा, ये आ जाएगा 6 and 3 9 and 2 11, right? 11 V0 और ये 4 4 0 तो यहां पर 4 40 आ जाएगा, इसका V0 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 40 वोल्ट, तो D पॉइंट जो है उसका पोटेंशियल 40 वोल्ट आ चुका है, तो जो करंट है सबसे पहले हम बात करेंगे AD ब्रांच में करंट कितनी है, AD ब्रांच में जो करंट है दैट इज V0 minus 70 by 10, AD ब्रांच में जो करंट है I1 V0 minus 70, V0 is 40, 40 minus 70 मतलब 30, minus का 30, 30 by 10 मतलब minus का 3 एम्पीयर, कोई दिक्कत नहीं है, minus तो केवल साइन को शो कर रहा है, ठीक है, I1 आ गया। I2 की बात करें V0 minus 0 by 20 है बेटा, V0 की कितनी वैल्यू 40, 40 by 20 मतलब 2 एम्पीयर, नेक्स्ट I3 की बात करें तो V0 minus 10 मतलब 40 minus 10 मतलब 30, 30 by 30 मतलब 1 एम्पीयर, ठीक है, तो इसका मतलब AD, DB और DC ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रही है ऑब्वियसली 3:2:1 में है, माइनस की हेड मत लीजिए क्योंकि वो डायरेक्शन को शो कर रहा है माइनस, ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका बेटा जो है वो फर्स्ट करेक्ट है, ऑब्वियसली D पॉइंट इज एट पोटेंशियल ऑफ 40 वोल्ट, यस 40 वोल्ट पे है, 3:2:1 के रेशियो में है, ये भी ठीक है, ये गलत हो जाएगा थर्ड, ओके, और नेटवर्क ड्रॉज ए टोटल पावर ऑफ 200 वोल्ट, पावर निकालनी आपको, पावर होती है I स्क्वायर आर, तो 10 ओम जो है ये कितना पावर कंज्यूम करेगा I स्क्वायर आर, I कितना बेटा इसमें, इसमें I है 3 एम्पीयर, राइट, तो 3 का स्क्वायर करोगे 9 × 10 प्लस नेक्स्ट ये 20 ओम है और इसमें कितनी करंट जा रही है 2 एम्पीयर, तो 2 का स्क्वायर 4 4 × 20 है ना, प्लस नेक्स्ट है 30 ओम, इसमें करंट कितना जा रहा है 1 का स्क्वायर 1 × 30, इसको सॉल्व कीजिए तो ये 90 आ चुका है आपके पास, ये कितना आया, ये 80 आ चुका है और ये 30 आ चुका है आपके पास, तो 90 प्लस 30 आ जाएगा 120, 120 प्लस 80 मतलब 200 वोल्ट, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा, ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इसके करेक्ट हो चुके हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9, ए गैलोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एंड ए फुल स्केल रेंज 50 माइक्रो एम्पियर, तो गैलोमीटर की जो फुल स्केल जो करंट है बेटा इसको आप आईजी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आईजी इक्वल्स टू आपको दे रखा है 50
माइक्रो एम्पियर, राइट, 10^-6 एम्पियर, और रेजिस्टेंस जो है गैल्वेनोमीटर का आर जी इज इक्वल टू आपको दे रखा है 100 ओम। ये दोनों वैल्यूज आपके पास हैं और इससे हमें वोल्ट मीटर और अमीटर बनाना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन को चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले वोल्ट मीटर बनाते हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट क्या कह रहा है, 50 वोल्ट रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है तो आपको 10 किलो ओम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। वोल्ट मीटर के लिए आपको मालूम होगा तो गैल्वेनोमीटर जो है इसका रेजिस्टेंस है आर जी, सीरीज में हमें हाई रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ता है और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है और वी जो है वो 50 वोल्ट के बराबर है और वी इक्वल्स टू आई जी आर जी प्लस आर इंटू में आई जी होगा वी, ठीक है। तो यहां से आपको आर की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो वी अपॉन में आई जी इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में आई जी माइनस आर जी, ये आर के इक्वल आएगा बेटा। तो V कितना है, V है 50 वोल्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग V 50 कर दिया और I जो 50 माइक्रो एम्पियर बेटा, 50 माइक्रो एम्पियर तो 10^6 ऊपर चला गया प्लस हो जाएगा, ये 10^6 आ गया V अपॉन में IG, तो 10^6 माइनस RG, RG कितना है, RG केवल 100 है, 100 आप इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 10^6 में से 100 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बहुत मामूली से फर्क आएगा, ये R को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या ऐसा है 10 किलो ओम के बराबर ये रेजिस्टेंस है, 10 किलो ओम 10^6 है यार, इसमें से 100 ही सब्ट्रैक्ट किया आपने, तो 10 किलो ओम मतलब 10^4 और ये कितना है 10^6 माइनस 100 है, तो ये तो इतना तो फर्क नहीं आएगा, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 10 वोल्ट रेंज के, मतलब ये जो V है ना, V की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो V की वैल्यू 10 रखो आप, 10 रखोगे तो 10 अपॉन में 50 10^6 फिर माइनस का 100 है बराबर ही आ जाएगा हमारे पास R, ये इसे 0 कैंसिल आउट कर दो, एक 10 ले लो तो 5/10 2 आ जाएगा, 2 × 10^5 माइनस 100 इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो ये 200 कर सकते हो, 200 × 10^3 माइनस 100, तो 100 का कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 200 किलो ओम का रेजिस्टेंस आप इसके साथ अटैच कर सकते हो क्योंकि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इग्नोरेबल है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आप इसको ऑलमोस्ट करेक्ट मान सकते हो। अमीटर की बात करें बेटा, अमीटर की अगर हम बात करें तो अमीटर के लिए देख लेते हैं, चलो ओके। तो अमीटर के लिए बेसिक प्रिंसिपल हमें मालूम होना चाहिए, रेजिस्टेंस आरजी, अमीटर ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस आप इसके साथ कनेक्ट कर देते हो बेटा। तो यहां से ये आई आ रहा है करंट, ये आईजी इसके अंदर चला गया, ये आ जाएगा आई माइनस आईजी, सो आई माइनस आईजी इंटू एस इज इक्वल टू आईजी इंटू आर जी। तो एस की जो वैल्यू है एग्जैक्टली कितनी आ गई, आई जी इंटू आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। अब कितने मिली एम्पियर का जो अमीटर आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप उसको कनेक्ट करना है। तो जैसे थर्ड में क्या करके 5 mA रेंज, तो इसका मतलब आई जी जो है वो 5, आई जी नहीं है, आई है 5 mA, राइट। तो आई जी की वैल्यू तो हमारे पास है 50 μA, तो 50 μA यहां रखेंगे अपन, ठीक है, तो यहीं रख देते हैं। तो 50 μA 10^-6, आर जी हमारे पास है 100 अपॉन आई माइनस आई जी, मतलब आई कितना है थर्ड ऑप्शन में 5 mA, तो 5 × 10^-3, राइट, माइनस 50 × 10^-6 ये वैल्यू आ चुकी है। तो ये तो -5 हो गया, 5 × 10^-5, तो आई थिंक ये कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा इसके ऊपर, बहुत ही कम सा इफेक्ट डाल रहा है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पर इग्नोर कर भी दें तो यहाँ से देखो ये कितना आएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ये 10 आ गया है ना, और ये 10^-3 तो -3 बचेगा, और ये -3 और ये 100 और 10 10^3 एंड 10^-3 कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर, 1 आ जाएगी वैल्यू, राइट, ये वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी, आई थिंक मैं सही किया है, तो वैल्यू 1 ओम के आसपास आ रही है। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इसका पूरा पूरा मैच कर रहा है बेटा। फोर्थ में क्या कह रहा है, फोर्थ में कह रहा है कि 10 mA रेंज का बनाना है, 1 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना है, 10 mA, इसका मतलब नीचे
किसको डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, अगेन वही कैलकुलेशन, 50 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 100, और नीचे 10 मिली एम्पियर है तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, वो वाला इग्नोर कर सकते हो आप, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहां पर देखो तो 10 की पावर माइनस 3 और ये 100 है, इसका मतलब ये 10 की पावर माइनस 1 बचेगा, तो 0.5 ओम ऑलमोस्ट आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसको तो फोर्थ ऑप्शन इसका इनकरेक्ट हो गया, तो सेकंड एंड थर्ड इसके करेक्ट हो जाएंगे बेटा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, तो एक स्क्वायर लूप आपको गिवन है, स्क्वायर लूप की जो डायमेंशन लेंथ जो है बेटा वो एल है, और इसको एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल पर आपने प्लेस कर दिया। ये डैश लाइन जो दिख रही है आपको, डैश लाइन के इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी अज्यूम कर सकते हो आप, बाहर की तरफ है, इस तरफ कोई फील्ड नहीं है, और इस लूप का कुछ पार्ट जो है वाई लेंथ का आपको विजिबल होगा, इस तरफ है, और एक्स लेंथ का इस तरफ है। तो जैसे ही इस लूप को रिलीज करोगे आप, तो आपको बताना है कि लूप किस डायरेक्शन में रोटेट होगा, राइट। एक्स की कुछ कंडीशन, एक्स और वाई की कुछ कंडीशन दे रखी है, और ये भी ध्यान रखना है एक्स लेस देन वाई है, ये तो हमें ध्यान रखना ही रखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसका जवाब देना है बेटा, ओके। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे। बेटा तो तो इस तरफ फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उस फील्ड का डायग्राम नहीं बना रहा मैं, यहां पे इतना नजर आ रहा है अपन को, और ये सेंटर है स्क्वायर का, करंट इस टाइप से फ्लो कर रहा है आई, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है बेटा, तो इस वाले पार्ट में करंट इधर ही जाएगी, तो आई एल क्रॉस बी, तो फोर्स ऑब्वियसली इस तरफ लगेगा इसमें, ठीक है, इस फोर्स को मैंने एफ1 लिख दिया। अच्छा, ये लेंथ आपको गिवन है y के इक्वल, तो जो फोर्स आएगा F1, उस F1 को अपन लिख सकते हैं I लेंथ y इंटू बी, ये फोर्स आ चुका है इतना। अब यहां पर आपको लेंथ दे रखी है x, तो इसमें करंट यू फ्लो कर रहा है IL क्रॉस B, तो इसका मतलब इस पे फोर्स जो लगेगा वो कुछ इस तरफ लगेगा, ठीक है, इसको F2 कंसीडर कर लिया, सो द F2 इज इक्वल टू I xB, तो दोनों पे फोर्स हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन हमें फोर्स से मतलब नहीं, हमें टॉर्क से मतलब है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन अगर आप देखो तो उनमें वाई की जो वैल्यू लेस देन एल बाई टू या इक्वल टू एल बाई टू है, तो उनके लिए अपन को चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कि क्लॉकवाइज घूमेगा, उसके बारे में हमें पता लगाना है बेटा, ठीक है। तो यहां जैसे डायग्राम को वापस देखें बेटा, देखो ये लेंथ है y, ठीक है, ये लेंथ है x, ये सेंटर, और लेंथ जो y की वैल्यू l बाई टू एल बाई टू से कम है, तो ये लेंथ जो है यहां से यहां तक वो l बाई टू, और जो फोर्स लगेगा वो एग्जैक्टली वाई वाई लेंथ के एकदम मिड पॉइंट पे यहां पे लगेगा फोर्स F1, ठीक है। तो F1 जो है वो O पॉइंट सेंटर, सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट यू रोटेट करने की कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो F1 का जो टॉर्क आएगा, F1 का जो टॉर्क आएगा, उस टॉर्क को अगर मैं लिखूं यहां पर, तो टॉर्क ड्यू टू F1 इज इक्वल टू कितना आएगा, फोर्स, फोर्स तो हमें पता है आई वाई बी है,
इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखी जाए बेटा, तो ये पूरी यहां से यहां तक एल बाई टू है और ये वाई है, तो ये वाई बाई टू हो जाएगा इतना, एल बाई टू माइनस वाई बाई टू, ये डिस्टेंस आ गई। तो यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक। तो टॉर्क कितना आएगा, एल बाई टू माइनस वाई बाई टू। इफ वाई इज लेस देन एल बाई टू या इक्वल टू एल बाई टू तो जीरो हो जाएगा, ये आ गया टॉर्क। तो ये यूं घुमाने का ट्राई कर रहा है इसको, करेक्ट, कुछ इस तरफ। अब हम बात करते हैं एक्स वाले टॉर्क की, उसको मैंने फोर्स एफ टू दिया और एफ टू की वैल्यू आई एक्स बी है, और इसकी जो लेंथ आएगी, ये जो फोर्स है बेटा वो एग्जैक्टली इसके मिड में आएगा एफ टू। तो ये जो लेंथ आएगी इसकी यहां से यहां तक, ध्यान से देखना, ये वाली लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ विच इज एल बाई टू माइनस एक्स बाई टू, सेम अप्रोच वैसे, ये यू रोटेट करेगा, एल बाई टू माइनस एक्स बाई टू, ये फोर्स आ गया, मतलब टॉर्क आ गया। तो एंटी क्लॉकवाइज, एफ वन तो एंटी क्लॉकवाइज और एफ टू जो है क्लॉकवाइज, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज वाला ज्यादा मान लू टॉर्क, तो इसमें से ये वाला टॉर्क सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, तो नेट टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसको मैंने ग्रेटर अज्यूम किया बेटा। तो टॉर्क इक्वल्स टू कितना है देखो, आई बाई बी, तो आई बी तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, आई बी तो कॉमन आ जाएगा, और बाई टू सब में टू भी बाहर ले आओ, ठीक है, और यहां वाई बचेगा, तो वाई एल माइनस वाई स्क्वायर, यहां से वाई एल माइनस वाई स्क्वायर आ गया, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एक्स एल एंड माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, आई थिंक सही किया मैंने यहां पर। अब यहां देखिए बराबर आई बी बाई टू, अब इसमें बेटा देखो वाई एल और ये एक्स एल है, तो इसमें वाई माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है, वाई माइनस एक्स, और इधर आ जाएगा एल, और इसमें से भी आप माइनस बाहर ले सकते हो, और यहां आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है। इसको मतलब टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया है, उसकी वैल्यू आई बी बाई टू वाई माइनस एक्स, ये बाहर आ चुका है, और ब्रैकेट में कितना है बेटा, एल माइनस वाई प्लस एक्स, खत्म, ये वैल्यू आ चुकी है, राइट। इस टाइप से टॉर्क हमारे पास आ चुका है, और इस टॉर्क की अगर वैल्यू देखें बेटा, अपन देखते हैं, चलो ऑप्शंस देखते हैं क्या कह रहे हैं ऑप्शंस। कह रहा है कि अगर x की वैल्यू लेस देन 1 बाई टू और y की वैल्यू एक 1 बाई टू है, l बाई टू एक्चुअल में, जो लेंथ है वो l है, ठीक है, तो ये 1 बाई टू मीन्स l बाई टू है, राइट, ये l है बेटा, सो x इज लेस देन l बाई टू, y इज इक्वल टू l बाई टू, l है ये, राइट। तो अगर x की वैल्यू l बाई टू से लेस है और y जो है वो l बाई टू के इक्वल है, y जो है वो l बाई टू के इक्वल है, तो l बाई टू माइनस लेस देन l बाई टू, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव। और वैसे भी पता है, जो मैंने आपको बताया था, वैसे भी पता है आपको कि जो x है वो लेस देन y है, इसका मतलब y तो x से बड़ा ही होगा, तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव। इसके बाद में यहां देखो y प्लस x है, ये y प्लस x है, इसका मतलब y की वैल्यू तो l बाई टू है और x की वैल्यू लेस देन l बाई टू, इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है वो l से तो कम ही होगी, l से कम होगी तो ये वाली क्वांटिटी ओवरऑल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है पहले से, इसका मतलब टॉर्क पॉजिटिव, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज वाला जो टॉर्क है उसको पॉजिटिव कंसीडर किया था, उसी कोड की ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब लूप डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट होगा बेटा, इज दैट क्लियर। तो यहां से कंफर्म हो गया फर्स्ट ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है, x की वैल्यू l बाई टू से कम है और y की वैल्यू भी l बाई टू से कम है, दोनों की वैल्यू अगर l बाई टू से कम है तो बताइए ये वैल्यू डेफिनेटली l बाई टू से कम होगी, कंफर्म है, मतलब l से कम होगी, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, और यहां y x से ग्रेटर है वो शुरुआत में दे रखा था आपको, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये इस कंडीशन में भी लूप डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, ये कंफर्म है बेटा, ठीक है। और थर्ड कह रहा है कि x लेस देन 1 बाई टू एंड y l बाई टू एंड y ग्रेटर देन l बाई टू द लूप स्टार्ट्स रोटेटिंग क्लॉकवाइज, क्या लूप क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट होगा, ठीक है। अगर आप इसको चेक करोगे बेटा, जैसे यहां से अगर मैंने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, जैसे मैंने यहां पे डिस्टेंस ये y ली थी, राइट, और यहां जो है वो l बाई टू माइनस वाई बाई टू लिया मैंने, लेकिन अगर y जो है वो l बाई टू से ग्रेटर है, अगर ये l बाई टू से ग्रेटर होता तो ये l बाई टू होता, तो लूप जो है ना कुछ ऐसा बनता, देखो मैं बताऊं ऐसा कुछ होता, ठीक है, x का टॉर्क तो उतना ही आ गया, ये गायब हो गया,
चलो कोई नहीं, इसको मान लीजिए ऐसे ही, इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं। ओके, तो अगर y जो है वो l by 2 से ग्रेटर होता तो इसका मतलब जो फोर्स आता, ये y है तो फोर्स y by 2 पे आता ना, y by 2 पे आता, और जो लेंथ है उस केस में परपेंडिकुलर जो लेंथ है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ये वाली l by 2 होती, ये तो कंप्लीट ये y होता, ये y by 2 होता यहां से, और ये L by 2 होता, तो ये लेंथ कितनी आती, y by 2 minus L by 2 होती। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी दिख रही है ना आपको, ये y by 2 minus L by 2 हो जाता, y by 2 minus L by 2, इसका मतलब माइनस का फर्क आ जाता, केवल माइनस का फर्क आया। देखो मतलब ये जो क्वांटिटी आई है इसमें माइनस का फर्क आने का मतलब ये माइनस हो जाता और ये प्लस हो जाता, राइट? ये माइनस ये प्लस, इसका मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो y माइनस का वाई एल प्लस का वाई स्क्वायर माइनस एक्स एल है, तो ये प्लस का y प्लस एक्स एल, ये माइनस का रहता, और यहां पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता इस केस में, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता, ये वाली क्वांटिटी आती। लेकिन ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव है ना, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव। अब यहां पर अगर आप y की वैल्यू अगर l by 2 से अगर ग्रेटर कंसीडर करते हो, ठीक है, ये तो x की वैल्यू चलो ठीक है जो है वो l by 2 से लेस है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन यही था l by 2 से लेस है, l by 2 से लेस है और y की वैल्यू l by 2 से अगर ग्रेटर है, बेटा ये वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव है यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी। लेकिन क्या ये वाली क्वांटिटी इससे ज्यादा होगी कम होगी, वो आप चेक कर सकते हो बेटा आसानी से, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि y की वैल्यू कितनी ज्यादा है, ठीक है। अगर y की वैल्यू वो ज्यादा हुई तो उस केस में हो सकता है ये वाली क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव रहे, या हो सकता है क्वांटिटी ये पॉजिटिव रहे, तो ये डिपेंड करेगा y की वैल्यू जो है वो l by 2 से अगर कितना ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग लूप जो है वो क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है बेटा, ठीक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो सिंपली, आपको आइडिया लग जाएगा इससे, ठीक है बेटा। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं, बेटा तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट है, ये L by 2 है, सेकंड ऑप्शन भी डेफिनेटली करेक्ट है बेटा, राइट, और x की वैल्यू L by 2 से कम है और y की वैल्यू L by 2 से अगर ग्रेटर है, मोर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड विच वे द लूप स्टार्ट्स रोटेटिंग। यस, डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर L by 2 से ग्रेटर है तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जो है, मान लीजिए L के बराबर ही हुआ, L के बराबर हो तो लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से पास होगी फोर्स की, इसका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, इसका होगा तो फिर क्लॉकवाइज भी रोटेट करने लग सकता है, ये डन है। और एग्जैक्टली अगर L by 2 था, ये केस हमने पढ़ा था, तो किस तरफ रोटेट कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था। और L by 2 से अगर हल्का सा भी ग्रेटर है, L by 2 से अगर हल्का सा भी ग्रेटर है y की वैल्यू, मैं कहूं कि L by 2 से ग्रेटर है हल्की सी, ठीक है, और x की जो वैल्यू है वो L by 2 से कम है, काफी कम है, तो उस केस में हो सकता है कि जो लूप है वो किस तरफ रोटेट हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो। तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है बेटा यहाँ पर कि क्लॉकवाइज, अगर y की वैल्यू L by 2 से अगर ग्रेटर है ना, तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि लूप अगेन क्लॉकवाइज रोटेट करे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, ठीक है, लेकिन क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, वो डिपेंड करेगा बेटा y की वैल्यू L by 2 से कितना ज्यादा है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो अब हम बात करेंगे इंटीजर सेक्शन की, ठीक है, तो इंटीजर वाले सेक्शन की बात करें बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर सी इक्वल्स टू 6 माइक्रोफेरेड दे रखा आपको, और संधारित्र पर या कैपेसिटर पे चार्ज कितना है टोटल। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, दोनों ग्राउंड से कनेक्टेड है, इसका मतलब दोनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है, तो 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, 2C एंड C सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 2C / 3, C1 C2 ओपन में C1 + C2, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C / 3 है, और वोल्टेज जो बैटरी का कितना है, 10 वोल्ट है, तो सी से अगर 10 को मल्टीप्लाई, सी इक्विवेलेंट से 10 को मल्टीप्लाई कर दूं तो चार्ज आ जाएगा, और दोनों सीरीज में है तो ऑब्वियसली चार्ज दोनों पे क्या होगा, सेम होगा, वही सेम इक्विवेलेंट होगा, तो Q इक्वल्स टू 2C / 3 * 10, और सी की वैल्यू कितनी बेटा, 6 / 3 * 10, इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 से 2, और हमारे पास 2 * 2 4 * 10 मतलब 40 माइक्रो कूलम आपके पास चार्ज आ जाएगा इसमें, ठीक है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 40 माइक्रो कूलम के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बिकम्स 4/3 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू इफ ए डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी इक्वल्स टू डी बाई टू इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स. ठीक है, ओके, डी इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स, फाइंड द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब. डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर कैपेसिटर इनिशियली मतलब वैक्यूम हो दोनों प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटेंस कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. अब ये कह रहा है कि आपने डायलेक्ट्रिक स्लैब उसके अंदर इंसर्ट किया, तब कैपेसिटेंस कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी. टी की वैल्यू कितनी है? डी बाय टू प्लस टी बाय के, मतलब डी बाय टू के. और ये जो कैपेसिटेंस है, आपसे कह रहा है कि जो कैपेसिटेंस है ये इनिशियल का कितना है? 4/3 टाइम्स है. तो इसका 4/3 टाइम्स है, बस हो गया, सॉल्व कर लो इसको. एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल आउट हो गया, डी से ये डी कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, है ना. यहां से सिंपली सॉल्व करना है बस थोड़ा सा आपको. तो वहां पे 4/3 आ चुका है, इस तरफ कितना है? 1/1 माइनस 1/2 1/2, ये डी हट चुका है, ये वाला भी ठीक है, कॉमन आ जाएगा, वहां से कटेगा. तो 1 माइनस 1/2 1/2 प्लस 1/2 के, तो 1/2 के मतलब 2 के ऊपर आ जाएगा, 2 के कैल्शियम आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास के प्लस 1. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4k प्लस 4, 4k प्लस 4 इक्वल्स टू 6k, तो ये आ जाएगा 2k इक्वल्स टू 4, देन k इक्वल्स टू 2. तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, सिंपल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, ये सिंपल पेंडुलम है और जो बॉब है उसका मास 1 kg है, चार्ज q इक्वल्स टू 5 माइक्रोकूलम है, स्प्रिंग लेंथ l आपको 1 मीटर गिवन है, और आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दे दी इसको. ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 2×10⁶ वोल्ट पर मीटर है एट इट्स बॉटम मोस्ट पॉइंट A एज शोन इन द फिगर. तो U इस तरीके से आपने दिए ताकि ये C पॉइंट पर जाकर के ये सर्कुलर पाथ को छोड़ देता है. इसका मतलब टेंशन यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा बेटा. ठीक है, ये क्लू दे रखा है इसने अपन को. इसका मतलब जब बॉब यहाँ पर पहुँचेगा, जिसके पास लेट्स से वेलोसिटी है V, ठीक है, और टेंशन यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो mg डाउनवर्ड लगेगा केवल, mg का एक कंपोनेंट बेटा इस तरफ आएगा, और qe भी लग रहा है इस तरफ, तो qe का एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा. ये वाला एंगल 60 है, ठीक है, तो ये qe cos 60 मतलब qe by 2 आ जाएगा इस तरफ, और इस तरफ ये 30 आ जाएगा, तो mg sin 30 मतलब √3 by 2 mg टुवर्ड सेंटर. तो टुवर्ड सेंटर जो फोर्स लग रहा है इस पर, वेलोसिटी वहां पर भी है, टुवर्ड सेंटर फोर्स आ जाएगा √3 by 2 mg माइनस QE by 2 is equal to MV square by L, क्योंकि टेंशन तो है नहीं, तो यही सेंट्रिपिटल फोर्स होगा. अब M की वैल्यू बेटा 1 है और G की वैल्यू 10 है, तो 1 into G 10, 10 by 2 मतलब 5, ये 5 root 3 आ गया, माइनस Q की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम और E की वैल्यू 2×10⁶, 5 into 2, 10, और 10⁶ और 10⁻⁶ कट जाएगा, तो 10 by 2 मतलब 5 आ जाएगा. ये M की वैल्यू 1 और L की वैल्यू 1, तो V square. तो V square की वैल्यू बेटा हमारे पास आ चुकी है 5 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, ये वैल्यू है. अब देखो, पार्टिकल को आपने यहां से लॉन्च किया था, यहां से प्रोजेक्ट किया था पार्टिकल को, तो आगे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लो या आप वर्क एनर्जी थ्योरम से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो. तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं अगर अपन, तो पार्टिकल जब यहां से यहां पहुंचेगा, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी नेगेटिव होगा ना, क्योंकि mg डाउनवर्ड लग रहा है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना आएगा? माइनस mg, और ये लेंथ कितनी है? l, और ये लेंथ कितनी, हाइट कितनी है देखो, l प्लस ये वाला लेंथ, दिस इज l, so this is l sin 60 मतलब l root 3 by 2, l plus l root 3 by 2, l bracket 1 plus root 3 by 2, तो work done by the mg आ गई. फिर electric force के कारण work done की बात करें, तो q इस तरफ लग रहा है, तो इस direction में कितना displace हुआ, इतना displace हुआ देखो ये वाला, तो ये length कितनी है? ये l है, तो ये l cos 60, l cos 60 is l by 2, work done by q is qe l by 2. टेंशन के कारण वर्क डन 0 ही रहेगा, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर. ठीक है, यहां से m की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10 और l की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये माइनस का 10 आएगा, यहां पर 2 का एलसीएम ले लो, 2 प्लस रूट 3, ये माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5, 2 प्लस रूट 3 प्लस qe की वैल्यू 10 आई थी, 10 बाई 2 5, और l की वैल्यू 1 है तो 5 आ जाएगा, m की वैल्यू 1 है तो ये v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 बेटा, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस
10 आर 2 प्लस रूट 3 प्लस 10 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, तो यू स्क्वायर इक्वल टू यू वी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 5 रूट 3 माइनस 5, ठीक है। अब ये वाली क्वांटिटी इधर आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 20 आ गया, ठीक है। तो 20 प्लस 10 रूट 3 और ये माइनस का 10 क्योंकि ये इस तरफ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 20 माइनस 10 10 माइनस 5 5 बचेगा यहाँ पर, ये 5 आ गया प्लस ये 10 रूट 3 एंड 5 रूट 3 ये 15 रूट 3 आ गया। सो यू स्क्वायर इक्वल्स टू 15 रूट 3 राइट, सॉरी 15 रूट 3 प्लस 5, ठीक है। अब बेटा यू की वैल्यू अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे अंडर रूट करके तो आपके पास वैल्यू आएगी 5.56 ऑलमोस्ट। तो ये वैल्यू आप ऑलमोस्ट आप लिख सकते हो 6 मीटर पर सेकंड। थोड़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है, आपको हो सकता है कि अजीब लगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, पूछे जा चुके हैं, ठीक है, जिनमें डेसिमल में वैल्यूज थी लेकिन रफली अप्रोक्सीमेट वैल्यू उनकी ली गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बेटा वो 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 4, दो मैग्नेट्स आपको गिवन है, मैग्नेट 1 मैग्नेट 2। मैग्नेट 1 के ये जो पॉइंट है ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है बेटा, ये मैग्नेटिक मोमेंट्स आपको दे रखा है सीजीस के अंदर। तो ये डिस्टेंस d1 है और d1 डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, m1 इधर है तो b1 इस तरफ आएगा और m2 इस तरफ है तो b2 इस तरफ आएगा, और ये phi आपको एंगल दे रखा है नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए। phi जो है tan इनवर्स 1/x के इक्वल, और आपको x की वैल्यू पूछी है, सिंपल, ठीक है। तो अगर हम tan phi की वैल्यू की बात करें बेटा, तो tan phi आ जाएगा यहां पर b2/b1। देखो इस सिंपल ट्रायंगल से क्लियरली नजर आ रहा है tan phi = b2 perpendicular by base b1, ठीक है। और b2/b1 की बात करें बेटा, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैग्नेट के कारण मैग्नेट फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट m अपॉन में 4πr³, यही तो होता है, म्यू नॉट अपॉन 4π सीरीज के अंदर 1 होता है बेटा, तो सिंपली m अपॉन में r³ आ जाएगा। तो b2 की बात करें, b2 मतलब ये वाला, तो ये आ जाएगा m2 अपॉन में r³। अच्छा r यहां पे 40 है, इसका भी r देखो 40 है, तो वो सेम ही रहेगा r³, और b1 आ जाएगा m1 अपॉन में r³, डिस्टेंस सेम है, ये कट गया इससे। m2 की वैल्यू कितनी, m2 है हमारे पास, m2 है 3200 और m1 जो है वो बेटा 2700 है, ठीक है, m1 इज 2700। ओके यहां पर बेटा d1 की जो वैल्यू वो 30 सेंटीमीटर है, वो d2 की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है, हाँ यहां पर ये गड़बड़ हो जाता, डायग्राम में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, d1 जो है वो 30 है एंड d2 इज 40 सेंटीमीटर, राइट। तो ये मैं एक बार इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। d1 जो है मतलब r1 जो है वो 30 है, ये वाला 30 है बेटा, ये 30 है और ये 40 है d2, राइट। चलिए तो b2 मतलब m2 अपॉन r2 क्यूब और ये आ जाएगा m1 अपॉन में r1 क्यूब, करेक्ट। m2 कितना है, M2 है 32, 100 वो कट जाएगा। M1 कितना है, M1 है 27। R2 की बात करें तो R2 है 40, 40 को 4 कंसीडर करो केवल, है ना, 4 की पावर 3 इनटू में R1, R1 है 30, राइट, तो 3 की पावर 3 इसको सॉल्व करो, 3 इनटू 3 इनटू 3, तो 3 इनटू 3 जो है वो 27 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और 4 इंटू 4 इंटू 4 तो ये आ जाएगा 64 ना, ये 64 आ गया, तो ये 1/2। तो tan phi की वैल्यू 1/2 मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 है यहाँ पर, चलिए आगे चलते हैं हम। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रोड ऑफ मास 1 केजी एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर रेस्ट ऑन टू पैरेलल रेल्स दैट आर ए डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट एंड हैव ए लेंथ 2 मीटर, द रोड कैरीज ए करंट 2 एम्पीयर इन द डायरेक्शन शोन एंड रोल्स अलोंग द रेल्स विदाउट स्लिपिंग, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 3 इनटू 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द रोड एंड द रेल्स, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रोड इन सेंटीमीटर पर सेकंड एज इट लीव्स द रेल्स,
ठीक है। तो जब ये हटेगा यहां से तब आपसे पूछा है कि इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ठीक है। इसमें एक फिक्स करंट फ्लो कर रही है, तो अगर फिक्स करंट फ्लो होगी तो ऑब्वियसली इस पर फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लग रहा है तो सीधी सी बात है फोर्स तो लगेगा, चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, डजंट मैटर, क्योंकि हमको स्पीड पूछी यहां पर। तो बेटा इस रोड का जो क्रॉस सेक्शन जो है वो कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, और मान लेते हैं इस पर जो फोर्स है इस करंट इस तरफ हालांकि दे रखा है अपन को बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे और करंट बाहर की तरफ, एल क्रॉस बी की बात करें तो फोर्स कुछ इस तरफ लगेगा इस पर सेंटर पर, और फोर्स की वैल्यू है आई एल बी, है ना, ये आगे बेटा फोर्स। तो ये डिस्टेंस आपको कैपिटल एल आपको गिवन है ना, कैपिटल एल आपको गिवन है। तो ये जब इससे बाहर निकलेगा तब इसके पास पूछा है कि स्पीड कितनी हो जाएगी, राइट। तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा, है ना, एंड इवन ये कह रहा है हमें कि यहां पर विदाउट स्लिपिंग मतलब रोल करते हुए जाएगा, तो फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा यहां पर। उस केस में जो आई एल बी है जो वर्क करेगा उस केस में आई एल बी इंटू एल होगा वर्क डन, आई एल बी इंटू एल, आई एल बी इंटू एल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और जो वर्क डन है वो वर्क डन बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एक तो रोटेशनल आएगी एक ट्रांसलेशनल आएगी। रोटेशनल की बात करें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना, तो इसकी रेडियस जो है वो मान लीजिए स्मॉल आर है, तो सिलेंडर है ये सॉलिड सिलेंडर है, तो हाफ आई, आई मतलब एम आर स्क्वायर बाई टू, आई आ गया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आ जाएगा बेटा वी स्क्वायर बाय, क्योंकि सेंटर क्योंकि रोल कर रहा है तो वी बराबर ओमेगा आर होना चाहिए, तो ओमेगा बराबर वी बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यहां से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से बेटा हमारे पास वैल्यू आ चुकी आई एल बी कैपिटल एल इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी एम वी स्क्वायर बाय 4 और ये एम वी स्क्वायर बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 बाय 4 एम वी स्क्वायर आ गया। तो अब हमसे वी की वैल्यू यहां पे पूछी है इसने, वी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो सारी वैल्यूज प्रॉपरली रखते हैं, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें सबसे पहले देखते हैं, करंट है 2 एम्पियर, लेंथ कितना है इस रोड का, तो रोड जो है 2 मीटर लेंथ की रोड है, राइट, लेकिन ध्यान रखना इस चीज का, दोनों जो रेल्स हैं उन रेल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है आपके पास, ध्यान से देखिए, रोड ऑफ मास 1 केजी एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर, स्मॉल आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, रेस्ट ऑन 2 पैरेलल रेल्स दैट आर ए डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट, दोनों 1 मीटर डिस्टेंस पे आपने रखे हुए हैं यहां पर, ठीक है, एंड हैव ए लेंथ 2 मीटर, ठीक है, तो इस रॉड की जो लेंथ वो 2 मीटर है आपके पास, ठीक है, द रॉड कैरीज ए करंट 2 एम्पीयर इन द डायरेक्शन शोन, ओके, एंड रोल्स अलोंग द रेल्स विदाउट स्लिपिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, बी की वैल्यू देखिए, रॉड की जो लेंथ है वो हमारे पास 2 मीटर है यहाँ पर, राइट, ठीक है, रॉड की जो लेंथ है वो 2 मीटर है, तो यहां पर 2 मीटर में रख दूंगा, राइट, 1 मीटर अपार्ट एंड हैवी लेंथ, ओके, नहीं नहीं यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, ये लेंथ जो है ये तो है 1 मीटर, और जो ये रेल्स जो है ना, रेल्स की लेंथ 2 मीटर है, सॉरी, कैपिटल एल की वैल्यू 2 मीटर है और स्मॉल एल की वैल्यू 1 मीटर है, तो स्मॉल एल तो 1 रख दो, कैपिटल एल 2 रख दिया मैंने, ठीक है, और बी जो है बेटा आपको दे रखा 3 × 10⁻², आ गया, ये वैल्यू रख दी मैंने यहां पर 3/4, एम की वैल्यू यहां पर कितनी गिवन है, एम है 1 kg, और v स्क्वायर v की वैल्यू हमसे पूछी है, तो r यहां पे आया ही नहीं, रेडियस तो यहां पर यूज ही नहीं हुई, चलिए देखें इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया बेटा, 2 × 2 = 4 और ये 4 × 4 × 10⁻²= v स्क्वायर, अंडर रूट करोगे तो 4 का अंडर रूट तो 4 ही हो जाएगा, 4 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर का अंडर रूट 4 हो गया, और इनटू में 10⁻²− मतलब -10, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 4 m/s, हमसे आंसर पूछा सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर के लिए आप क्या करोगे, इसको 4.4 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40, राइट, 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर पर सेकंड बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5th हो चुका है आपका, राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए। ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टर। ए वोल्टमीटर हैविंग वेरिएबल रेजिस्टेंस जी इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। द प्लॉट ऑफ वोल्टमीटर रीडिंग वी अगेंस्ट जी इज शोन। व्हाट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टर आर। तो आर की वैल्यू आपसे पूछिए बेटा। तो देखो, अगर आप इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करते जाओ और इनफाइनाइट कर दो, तो इनफाइनाइट अगर हो जाए तो वोल्टमीटर रीडिंग 20 वोल्ट हो जाती है। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो होगी नहीं, तो सारी की सारी करंट ऐसे जाएगी देखो। और जो करंट अगर मान लीजिए आई है, तो आई की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी? आई आ जाएगा हमारे पास 1 एंड आर, दोनों सीरीज में हो जाएंगे, आर प्लस 1 हो जाएगा और ये 24 है, तो इसका मतलब आई बराबर 24 अपॉन में 1 प्लस आर आ गया, ये करंट आ गई। और ये करंट इसमें से फ्लो कर रही है R में से, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना आएगा? I into R होगा। तो I मतलब 24 into में R upon में 1 plus R, यही तो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस भी। और V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 वोल्ट हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू मैं 20 के इक्वल रख सकता हूं बेटा यहां पर। ये रखें अगर आप, तो 24R equals to 20 plus 20R, तो 4R equals to 20, ठीक है, then R equals to 5, तो R की वैल्यू हमारे पास 5 ओम आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा हम, तो क्वेश्चन नंबर 7। फिगर शोज ए पार्ट ऑफ कंप्लीट सर्किट, द करंट इन वेरियस ब्रांचेस इन स्टेडी स्टेट आर शोन द फिगर। इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज 400 अल्फा माइक्रो जूल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू बतानी है हमें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखिए गौर से। इस ब्रांच में 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है, इस ब्रांच में 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है। कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाएगा तो इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो करेगी बेटा, तो 1 इधर से 2 इधर से, तो इस ब्रांच में करंट कितना जाएगा? 3 एम्पीयर। ये 3 एम्पीयर इधर से फ्लो करता हुआ यहां तक आएगा, ठीक है। इसमें 1 एम्पीयर जा रहा है फाइनली, ठीक है। तो आप ये देखें कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर मैं बात करूं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू, तो ये दोनों सीरीज में बेटा 5 एंड 1 6, और करंट कितनी जा रही? 3 एम्पीयर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा? 6 into 3 5 and 1 6 6 into 3। अब इस तरफ जाएंगे अपन, तो करंट इस तरफ भी 1 एम्पीयर जा रही है, देखो 1 into 2, इसी तरफ 1 into 2, 2 ओम रेजिस्टेंस है बेटा। तो डेल्टा भी जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, दैट इज 6 into 3 18 plus 2, मतलब 20 वोल्ट। तो इन कैपेसिटर के जो दोनों टर्मिनल्स हैं उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट है। और हमसे पूछा संचित ऊर्जा, मतलब स्टोर्ड एनर्जी, हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर होता है एनर्जी, सी की वैल्यू 4 माइक्रो फैराड है, तो एनर्जी भी माइक्रो में आ जाएगी, 4 रख दो एज इट इज, डेल्टा वी का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 400, है ना, 20 का स्क्वायर 400, इससे कट करेंगे बेटा तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये 2, तो 800 माइक्रो जूल। आपसे पूछा है कि एनर्जी 400 माइक्रो जूल है, दैट 400 अल्फा माइक्रो जूल है, दैट मींस अल्फा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। तो आंसर यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2। सेकंड चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। ए स्पेसशिप इज लॉन्च्ड रेडिली अवे फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ ए रॉकेट। When the spaceship acquires speed V naught, the rocket used is switched off. ठीक है? As the spaceship proceeds further away from the Earth, its speed V decreases with time t as shown on the graph, and eventually the spaceship acquires a constant velocity that is 1/5 of V naught. Constant velocity अगर space acquire कर लेती है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा distance पे पहुँच चुकी है। अब उसकी speed change नहीं हो रही, उसपे gravitational force work नहीं कर रहा, इसका मतलब वो infinity पे पहुँच गई, मतलब very far. Very far मतलब फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो स्पेसशिप को पहले तो रॉकेट लेके जा रहा है आगे तक अर्थ से, और मान लीजिए कि कुछ अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पर वो जो है रॉकेट जो है वो ऑफ हो जाते हैं, बंद हो गए, फिर स्पेसशिप ने कितनी स्पीड अक्वायर कर ली थी? इनिशियली वी नॉट, फिर ड्यू टू ग्रेविटेशन अट्रैक्शन उसकी वी की जो वैल्यू है, जो स्पीड है, वो लगातार डिक्रीज होगी, जैसे ग्राफ में शो कर रखा है, यहाँ वी नॉट है, फिर धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है, और फिर फाइनली उस समय बाद में देखें अपन, तो वेलोसिटी v नॉट बाय 5 जा रही है, लाइन दिख रही है आपको v नॉट बाय 5, क्यों? ये v नॉट बाय 5, देन 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 v नॉट बाय 5, टोटल कितना हो जाएगा? v नॉट हो जाएगा ना,
यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है, ये वी नोट हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो ग्राफ से अपन को ये दे रखा है एंड वी डिक्रीजेस विद टाइम टी एच ऑन द ग्राफ एंड इवेंचुअली स्पेसशिप एक्वायर्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज 1/5 ऑफ द वी नोट। डिस्टेंस 4 एंड वी नोट टी नोट बाय 5 फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ द रॉकेट वाज स्विच्ड ऑफ देन द वैल्यू ऑफ एन इज। तो हमसे यही पूछा है कि अर्थ के सेंटर से कुछ डिस्टेंस आर पर जब ये रॉकेट को बंद किया गया था तो वो डिस्टेंस बताइए, वो डिस्टेंस अगर ये है तो एन की वैल्यू बतानी है अपन को। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। तो देखो जैसे ये अर्थ है, यहां तक स्पेसशिप ने वी नॉट वेलोसिटी गेन कर ली थी, उसके बाद में ड्यू टू ग्रेविटी ये मूव करेगा और इसकी स्पीड लगातार डिक्रीज होती जाएगी और इन्फिनिटी पे चले जाएं तो इसके कहने का मतलब इसकी स्पीड जो है वो वी नॉट बाय 5 के इक्वल हो जाती है। तो पूछा है सेंटर से जब ये रॉकेट को ऑफ किया था सेंटर से डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस आर है, तो आर की वैल्यू इतनी है तो एन की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कुछ रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता अपन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं बेटा। तो यहां पर इसकी एनर्जी कितनी होगी, अगर इसका मास स्मॉल एम अगर मैं अज्यूम करूं, अर्थ का मास अगर कैपिटल एम है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, 1/2 m v नॉट स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम स्मॉल एम बाय आर। और इंफिनिटी पे पहुंच गए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 m v नॉट स्क्वायर बाय 25 और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो, इंफिनिटी पे पहुंच गए बेटा। तो ये वाली क्वांटिटी को इधर ले आओ, इसको इस तरफ ले जाओ, तो 1/2 तो एज इट इज आ जाएगा, 1/2 m 25 माइनस 1 मतलब 24 v नॉट स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम बाय आर, एम से एम कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, और यहां से आपके पास बेटा इसको कट कर दो, ये 12 आ जाएगा, तो 12 v नॉट स्क्वायर बाय 25 is equal to gm by r आ गया। अभी तक हमारे पास r नहीं आया है, राइट? तो r कैसे कैलकुलेट करें, तो हमें gm को भी यहां से हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, राइट? तो देखते हैं कुछ हिंट मिलता है नहीं मिलता अपन को, देखें ग्राफ से देखते हैं कुछ हिंट मिले, क्योंकि टाइम की फॉर्म में चाहिए हमें। एक चीज देखिए आप यहां पर, जैसे ही रॉकेट को ऑफ किया था तो वेलोसिटी डिक्रीज होने लग गई, ये टाइम लाइन का ग्राफ है। अगर आप इस लाइन को देखो गौर से, यहां पे बेटा ओके, तो इस ग्राफ को देखो आप, इनिशियली इस पॉइंट पर टेंजेंट अगर अपन देखें तो यहां पर स्लोप अपन को नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है ये लाइन बेटा इस पॉइंट पर कट करके जा रही है, देखो इस स्क्वायर को देखो आप, और ये जो छोटा सा स्क्वायर आपको नजर आ रहा है इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर इसका जो विड्थ आएगी, ये देखो ये वाली विड्थ, ये पक्का वी नॉट बाय 5 के इक्वल होगी, और ये भी देखो टी नॉट 2 टी नॉट 3 टी नॉट 4 टी नॉट 5 टी नॉट, ये भी टी नॉट के बराबर है एग्जैक्टली। ठीक है, तो वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं हम एक्सेलरेशन जरूर फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो वेलोसिटी का जो गैप है वो तो वी नॉट बाय 5 है, चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम कितना लगा, टी नॉट बाय 5, ये वी नॉट बाय 5 है और ये टी नॉट बाय 5 है, राइट? वी नॉट बाय 5, टी नॉट बाय 5, सॉरी टी नॉट बाय 5 है, टी नॉट। तो एक्सेलरेशन जो आया इस पॉइंट पर, इस पोजिशन पर, ए इक्वल्स टू V0 by 5 by T0, ये ऑलमोस्ट इतना एक्सेलरेशन ग्राफ से मिल रहा है अपन को, कब, जब रॉकेट बंद हुआ था उस इंस्टेंट पर। तो उस इंस्टेंट पर अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं इस स्पेसशिप का, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, जो अर्थ लगा रही है, फोर्स इज जी एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, दिस इज फोर्स, एंड फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m से m कैंसिल आउट हुआ, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू gm बाय r स्क्वायर है, a के इक्वल, और a की वैल्यू v नॉट बाय 5 t नॉट आया हमारे पास, तो यहां से gm बाय r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, a, और a है v नॉट बाय 5 t नॉट, आ गया 5 t नॉट। तो यहां से gm की वैल्यू r स्क्वायर v नॉट अपन में 5 t नॉट है, वो उसमें रख दूंगा आगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, जैसे नेक्स्ट पेज पे देखो, ये रिलेशन आ चुका था हमारे पास। अब इस रिलेशन में देखो, 12 v नॉट का स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू,
जीएम की वैल्यू रख दो, वी नॉट आर स्क्वायर अपॉन में वी नॉट आर स्क्वायर अपॉन में 5 टी नॉट और अपॉन में आर, आर से आर कैंसिल आउट हो गया बेटा, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया और टी नॉट इधर चला जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आई 12 वी नॉट अपॉन में 5, ठीक है, और इनटू में टी नॉट, टी नॉट भी आ गया, तो 12 वी नॉट टी नॉट अपॉन में 5, आई थिंक ये वैल्यू आई है। अब चेक करते हैं ये किसके साथ मैच कर रहा है, देखो बेटा, देखो ये कह रहा है कि जो वैल्यू है वो 4 एन वी नॉट टी नॉट बाय 5 और हमारे पास वैल्यू आई है 12 वी नॉट टी नॉट बाय 5, इसका मतलब n की वैल्यू 3 होनी चाहिए, 3 इंटू 4 12, तो यहां पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, n बराबर 3, n की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके सैटेलाइट, स्पाइस सैटेलाइट है, देखो क्वेश्चन को पढ़ लो, m मास का है और अर्थ के अराउंड ये ऑर्बिट कर रहा है और वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, लो एल्टीट्यूड पे ये रिवॉल्व कर रहा है बेटा, ठीक है, अज्यूमिंग मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिटार्डिंग फोर्स एफ ए, ठीक है, तो अब लो एल्टीट्यूड पे ये रिवॉल्व कर रहा है तो ड्यू टू एटमोस्फियर इस पे एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है और ये कह रहा है फोर्स कॉन्स्टेंट है एफ ए, द टाइम रेट एट विच द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट चेंजेस व्हेन द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट वी इज माइनस एन एफ वी बाय एम जी देन फाइंड एन, एन की वैल्यू आपसे पूछिए बेटा, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा, देखो ये अर्थ है, अर्थ के नजदीक अगर अपन बात करें बेटा तो इस पर जो जो एक्सेलरेशन होगा जी के इक्वल होगा, तो एम जी फोर्स लगेगा उसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व कर रहा है, तो एम जी टूवर्ड सेंटर है विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, राइट, यही तो है, एम सी एम यहां कैंसिल आउट हो गया, जी आर इक्वल टू वी स्क्वायर। अब इस पर वेलोसिटी इस तरफ इसकी है, इस तरफ है वी मान लीजिए, और ये जब मूव करेगा तो वेलोसिटी के अगेंस्ट इस पर रिटार्डिंग फोर्स लगना स्टार्ट होगा और एफ कॉन्स्टेंट दे रखा अपन को, तो इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं बेटा, जी आर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा टी के रेस्पेक्ट में, वो भी जी डी आर बाई डी टी इक्वल टू वी स्क्वायर का आ जाएगा टू वी डी वी बाई डी टी, है ना, तो डी आर बाई डी टी मतलब जिस रेट से जो रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट की वो डिक्रीज हो रही है बेटा, जी ये हमें फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा क्योंकि आर इज डिक्रीजिंग इज इक्वल टू टू वी, ठीक है, और वैसे भी चाहो तो इसको इंक्लूड ना करो, वो ऑटोमेटिकली बाद में इंक्लूड हो जाएगा, डी वी बाई डी टी क्या होगा, एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा वो एफ बाई एम के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि फोर्स देखो टेंजेंशियली अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है वेलोसिटी के, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है डी वी बाई डी टी एंड डी वी बाई डी टी इज एफ बाई एम, वो भी माइनस का, तो इसको चाहो तो माइनस को यहां से हटा दो, यहां पे लिख दो माइनस का एफ बाई एम, राइट बेटा, तो यहां से डी आर बाई डी टी पूछा आपसे, तो डी आर बाई डी टी आ जाएगा माइनस का टू वी एफ बाई एम जी, माइनस का 2 वी एफ बाय एम जी, तो एन की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई बेटा 2 के इक्वल आ जाएगी एन की वैल्यू, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी इज आर ब्रैकेट 1 प्लस रूट एन देन फाइंड एन, एन की वैल्यू आपसे पूछी है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो ये सर्किट है आपके पास और एन की वैल्यू आपको बतानी, मतलब अल्टीमेटली हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पे फाइंड आउट करना है, ठीक है, देखो इनफाइनाइट है ये, मतलब ये वाला जो डैश लाइन दे रखी है ना इसको इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका मतलब ये जो पार्ट है यहां से अगर मैं कट कर दूं तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ को अलग अलग अपन डील करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो लेफ्ट हाफ की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना ये कुछ इस टाइप से सर्किट बन रहा है, राइट, इस टाइप से लगातार ये आगे चलता जाएगा ऐसे, अच्छा ये पॉइंट जो है ये ए और बी के लिए मतलब कॉमन पॉइंट है, कॉमन लाइन है, इसको पॉइंट को ओ लिख दिया मैंने, तो ये ओ ले आया बाहर, इस तरफ ए लिख दिया, ये आर, ये वाला आर, ये भी आर, ये भी आर, इस तरीके से लगातार बेटा आगे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो मैं लेफ्ट हाफ को पहले सॉल्व करने वाला हूँ, तो ध्यान से आप देखना इसमें एक कॉमन जो अप्रोच रहती है कि रिपीटेशन जहाँ से होता है वहां से कट कर देते हैं अपन, यहाँ से कट कर दिया, तो ए और ओ के बीच में मान लीजिए कि रेजिस्टेंस एक्स है, इसका मतलब रिमेनिंग हाफ का भी रेजिस्टेंस, रिमेनिंग जो पार्ट है उसका भी रेजिस्टेंस एक्स के बराबर होना चाहिए, तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो यहां से आप क्या कर सकते हो बेटा, ये आर, ये आर और ये वाला आ जाएगा एक्स, ठीक है, ये पॉइंट ओ, ये ए, तो इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा इजी है और इक्विवेलेंट भी कितना आना चाहिए, एक्स के बराबर आना चाहिए, तो आर और एक्स ये बेटा पैरेलल में आ गए, तो कितना आ जाएगा आर एक्स अपॉन में आर प्लस एक्स, और फिर जो ये आर है इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, और इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, एक्स के बराबर आना चाहिए,
x के इक्वल, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे अपन, तो आर एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स आर, ठीक है, आर एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स आर, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स, तो आर एक्स, ये आर एक्स से कट गया, एक्स स्क्वायर यहां पर है तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स आर को इधर ले जाइए, माइनस का आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है यहाँ पर। इस इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, देखो x इक्वल्स टू माइनस बी मतलब प्लस आर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस माइनस प्लस फोर आर स्क्वायर अपॉन में टू एट टू आ जाएगा। तो ये फोर एंड वन फाइव आर स्क्वायर, तो रूट फाइव आर, और माइनस यूज नहीं करेंगे प्लस क्योंकि आर नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि अंदर वाला ज्यादा है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी, r प्लस आर रूट फाइव बाई टू, ये x की वैल्यू आ चुकी है बेटा हमारे पास, ठीक है, ये x आ चुका है। ऐसे ही सेम अगर आप b साइड से देखोगे, मतलब इस राइट हाफ की बात करें तो a और o के बीच में जैसे रेजिस्टेंस आया था वैसे ही b और o के बीच में रेजिस्टेंस r प्लस आर रूट फाइव बाई टू के इक्वल आएगा, ठीक है, जिसको मैंने x से यहां पर रिप्रेजेंट किया है। तो चलिए इसको एक बार रब कर दें अपन, ध्यान से देखिएगा, अब a और b के बीच में हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक हमें अप्लाई करना है। तो जैसे देखो ये a है और a और o के बीच में जो रेजिस्टेंस आया था हमारे पास वो x था और x की वैल्यू है हमारे पास यहां पर, ठीक है। ऐसे b साइड से देखेंगे अपन तो राइट हाफ की बात करें उसके लिए भी सेम वैल्यू आएगी, आइडेंटिकल एकदम, ये o ये x और ये b, करेक्ट, x की वैल्यू सेम आएगी, ये कंफर्म है। अब आप इन दोनों को पैरेलल में मत ज्वाइन कर देना, ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि a और b का पोटेंशियल सेम नहीं है, तो अगर आपने पैरेलल में ज्वाइन कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा ये। लेकिन हां ये कंफर्म है कि ये वाली जो लाइन है कॉमन है ना, सिंपल एक वायर है, कनेक्टिंग वायर है, तो कॉमन लाइन है, इसका मतलब ये पॉइंट o था तो उसका पॉइंट भी o है, तो ये दोनों आपस में पक्का जुड़े हुए हैं। अब जब ये आपस में कनेक्टेड है तो यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है a और b के बीच में जो x और x है वो सीरीज में कनेक्टेड है, दैट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा 2x के इक्वल हो जाएगा, तो 2 इसका 2 टाइम्स करोगे 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, r plus r root 5, r bracket 1 plus root 5, that means n equals to root, sorry, n equals to 5, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका DCM का पेपर, अच्छा किया होगा आपने, अगर दिक्कत हुई है कोई इशू नहीं है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें माइंड लगाना पड़ता है, ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करते रहिए, ठीक है, चलिए, थैंक यू।